मैं सर स्टार्ट करें मीटिंग। हाँ हाँ चालू कर दो आप। जय झूलेलाल। मां जितेंद्र टिलानी सिंधी प्रोफेशनल सोसाइटी तरफा तमाम सभी मेंबर जो हार्दिक स्वागत करा दो। तमाम सभी के खबर हुंदी आज ये टॉपिक के बारे में साइबर क्राइम आई साइबर सेफ्टी इन प्रेजेंट टाइम। आज इन कोविड के टाइम में पांजे जीवन में डे टू डे रूटीन में इंटरनेट जो डाटा उपयोग वधी हो है। सुबह जो योगा भी ऑनलाइन थींदा आहिनि, स्कूल भी ऑनलाइन था हलन, ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम मतलब ऑनलाइन जो हलन, तदे करे साइबर सेफ्टी के बारे में जानन डाटो जरूरी है। पा डे टू डे लाइफ में बुधो हों के ईमेल हैक थी वो है, पा फेसबुक अकाउंट कें जो हैक थी वो है, के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन पैसा डेबिट थी वाया वगैरह वगैरह, तदे करे साइबर सेफ्टी जे बारे में जानन डाटो जरूरी है। सभी का पहली मां सिंधी प्रोफेशनल सोसाइटी तरफा माननीय श्री हार्दिक माकड़िया जो माकड़िया जी जो तारी वजह स्वागत कंदा से। तो अजय टॉपिक जे साइबर क्राइम में साइबर सेफ्टी प्रेजेंट टाइम जे स्पीकर पाए माननीय श्री महेंद्र मोटवानी जी जो दिल सा सभी तारी वजह स्वागत कंदा से। हाने मां वेलकम कंदम पाए प्रेसिडेंट एसपीएस जा प्रेसिडेंट श्री महेश आसवानी जी के उन्हें जो भी बात तारी वजह स्वागत करूं सर। ओवर टू मैं सर। जीतू भाई सब तमाम वेलकम करो, थैंक यू। अने श्री हार्दिक मखड़िया के कारण सर आज असके हमसे आप आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे श्री हार्दिक मखड़िया, तो लेकिन महेंद्र भाई मोटवाणी हमारे साथ हैं जो इस सभा के स्पीकर रहेंगे। आज हमने जो देखा है कि आजकल के जमाने में ये नीड हो गई है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन रहना एक खास नीड हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेलाफाइड नेचर से जो सामने लोग ऐसा काम भी करते हैं जिसके कारण हमारे जो बिल्कुल सिंपल लोग हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं वो चीट हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमने एक ये सप्ताह के हमको इस एक वेबिनार करना चाहिए, तो श्री मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बड़ोदरा का वहाँ से श्री महेंद्र भाई मोटवाणी ने बहुत खास हमको हेल्प की है ये वेबिनार अरेंज करने के लिए। तो अभी मैं मुकेश पुनराणी को एंटर करूँगा, मुकेश हमारे जो स्पीकर और चीफ गेस्ट हैं उसके बारे में बताएं। ओवर टू मुकेश भाई। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। एम आई ऑडिबल सर? मैं सर ऑडिबल ऑडिबल। जय झूलेलाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इट्स माय इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस अवर टुडे स्पीकर। आज के स्पीकर हैं श्री महेंद्र किशन चंद मोटवानी जी। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उन्होंने ये पदवी 1990 में हासिल की है। उन्होंने करियर की शुरुआत एक गवर्नमेंट सर्विस से ही की थी। सिंस 2018 एट बड़ोड़ा ही हैज एक्सपीरियंस। मुकेश भाई, मुकेश भाई एक बार देख बीच में थोड़ा इंटरनेट शायद आपका कनेक्शन बराबर नहीं है, तो आवाज नहीं आ रही है बराबर। जी अब आ रही है सर? अभी क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर क्लियर आ रही है। क्लियर मुझे आप सब स्पेशल में एक टीम को लीड कर रहे थे, प्रोजेक्ट लीड थे, उनकी ही यही टीम को ई गुड्स प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट अवार्ड भी मिला था। वो अपनी कोशिश है इन्वेस्टिगेशन में है, जो भी उनके पास केस आते हैं कल्प्रिट को सजा न्याय दिलाते हैं।
उनके करियर पॉइंट अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है. वी वेलकम यू सर एट दिस वेबिनार. वेलकम सर. तो जितने जिन्होंने ये इनिशिएटिव ली और टॉपिक सही समझा लाने के लिए और मुझे बहुत कोई भी क्रिमिनल कहीं भी बैठ के क्राइम कर सकता है. बड़ौदा में बैठ के यूपी के किसी इंसान से क्राइम कर सकता है, यूपी का कोई इंसान बैठ के अमेरिका से किसी इंसान के साथ क्राइम कर सकता है. तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहती है. तो ये सिंपल डेफिनेशन है साइबर क्राइम की. मैं कुछ सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ आपको साइबर क्राइम के बारे में. ये जैसे कोरोना हमारे 1.5 साल से कोरोना डिजीज आया है, ये साइबर क्राइम बहुत ही बढ़ गया है. आप देख सकते हैं जो कोरोना से पहले एवरी वीक 5,000 अटैक होते थे पेपर, भारत में ऑनलाइन नाना के फ्रॉड में 500% नो चिंताजनक उछाड़ो. इंडिया के अंदर भी 5-10 टाइप्स का राइज आया है साइबर क्राइम में. विश्व में साइबर हमला नो भोग बनाना बात हो रहा है. बड़ौदा में भी काफी बढ़ गया है ये और पर मंथ 300 लोगों के साथ ये साइबर क्राइम हो रहा है. देखिए ये कटिंग है सूरत की. सूरत में 300 टाइम्स राइज हुआ है साइबर क्राइम के अंदर. ये कुछ कटिंग है जो आपको दिखा रहा हूं मैं. 8.2 उड़ गया. न्यूड युवतियों मोबाइल धारक ने उत्तेजित करी, न्यूड करावी, रिकॉर्डिंग करी ले छे, फोटो वायरल करवाने धमकी आपनार युवक सामे फरियाद, रुपया 1 लाख लावा इनकार करता पतिए ज पत्नी ना अश्लील फोटो वायरल, तारे साथे ना फोटो मारा मोबाइल मा छे मारे साथे संबंध राखवो पड़शे, प्रेमीए न्यूड वीडियो अने फोटो वायरल करवानी धमकी आपी, व्हाट्सअप में वेरिफिकेशन कोड नो मैसेज आवे तो जवाब आपो नहीं हेकर थशे, दुष्कर्म आचारी फोटो ने वीडियो वायरल करवानी धमकी आपनार पकड़ायो, 4.61 लाख भारतीयों पेमेंट कार्ड की जानकारी डार्क वेब में वेचवा मूकी, कापाना वेपारी साथ देश की सौथी मोटी 11 करोड़ ऑनलाइन छेतरपिंडी. ये मैं बताना चाहूँगा ये अहमदाबाद का ही एक बिजनेसमैन था, उसके साथ 11 करोड़ की चीटिंग हुई थी ऑनलाइन. तो इस तरीके से आप रोज बरोज न्यूज़पेपर में न्यूज़ में देखते होंगे पढ़ते होंगे कि कितने सारे साइबर क्राइम बढ़ गए हैं. तो साइबर क्राइम बढ़ने का क्या रीज़न क्या है? देखिए लास्ट 1.5 साल से जब से कोरोना आया है तब से क्या हुआ है, पूरा काम हम घर से कर रहे हैं, बाहर निकल नहीं सकते. बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रही है. आईटी इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं. पूरा बिजनेस ईमेल पे हो रहा है आजकल. आप पूरी शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, डर लगता है कहीं कोरोना ना हो जाए. पेमेंट्स भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकली करेंसी देने में लेने में डर लग रहा है. पूरा जो भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं वो भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं. जो भी इंटरटेनमेंट अभी हो रहा है, अब गेम्स खेल रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज देख रहे हैं, वो भी सब ऑनलाइन हो गया है. कहने का मतलब क्या है कि
हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। पहले जैसे 2 या 3 घंटे हम बैठते थे मोबाइल पे, इंटरनेट पे, अभी हमें कंपलसरी ऐसा हो गया है कि 8 से 10 घंटे हमें बिताने पड़ रहे हैं इंटरनेट पे स्क्रीन के टाइम से। जैसे जैसे हमारा टाइम स्क्रीन का टाइम बढ़ गया है, हम इंटरनेट पे ज्यादा बैठते हैं, तो इतना ही टाइम क्रिमिनल को भी ज्यादा मिल रहा है हमारे साथ फ्रॉड करने में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डेवलप हो रही है, उसी तरह क्राइम करने के तरीके भी काफी बढ़ गए हैं। तो ये रीजन है क्राइम बढ़ने का। और दूसरी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतना सारा क्राइम बढ़ गया है, उसमें भी स्पेशल जो सीनियर सिटीजन है, लेडीज है या बच्चे हैं, उनके साथ तो काफी क्राइम बढ़ गया है। लेकिन ये देखा गया है, नंबर्स ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग लेडीज, बच्चे या सीनियर सिटीजन ऑनलाइन है, जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या नेट बैंकिंग कर रहे हैं, उसमें से 50% लोगों के साथ क्राइम हो रहा है, ये साइबर क्राइम के शिकार हुए हुए हैं। जो 50% साइबर क्राइम के शिकार हुए, उनमें से आधे लोगों को तो यही पता नहीं है कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है। ये जो भी हो रहा है उनको पता ही नहीं है कि भाई ये साइबर क्राइम है। और जिन लोगों को पता चल रहा है, किसी लेडीज को, सीनियर सिटीजन या बच्चों को, कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो रहा है, तो वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहते, पुलिस के पास आना नहीं चाहते, डर जाते हैं कि पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा, अपनी आईडी ब्लॉक कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए नेट यूज करना बंद कर देते हैं। जैसे किसी महिला के कोई अश्लील तस्वीर भेजी जाती है, फोटो भेजा जाता है या वीडियो भेजा जाता है, तो वो डर जाती है, वो आईडी ब्लॉक कर देती है। कितनी लेडीजों को कॉल करके परेशान किया जाता है, बार बार उसको कॉल किया जाता है, तो वो पुलिस में नहीं आना चाहती। इससे ज्यादा वो ऐसा सिर्फ समझती है कि मैं वो नंबर ही बंद कर दूं, वो नंबर बंद करवा देते हैं, पुलिस के पास आते नहीं, कंप्लेंट नहीं कर रहे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इसी वजह से ये जो है, ये साइबर क्राइम बढ़ गया है। मेन तो क्रिमिनल को बिल्कुल मजा आ गया है कि भाई कोई भी कंप्लेंट कर नहीं रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, पुलिस को पता नहीं चलेगा तो हमें कैसे पकड़ा जाएगा। जैसे मैं बताऊं कि किसी का अकाउंट हैक करके किसी क्रिमिनल ने 1 लाख निकाल दिया, तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स को, आसपास में जो भी लोग दूसरे उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसको बताएगा भाई मैंने 1 लाख का क्राइम किया और मेरे साथ क्राइम हो, मैंने क्राइम किया, मुझे 1 लाख मिला। तो उसके फ्रेंड्स या जो भी दूसरे हैं उनको भी पता चलेगा भाई इसने क्राइम किया, उसको 1 लाख मिल गया, और देखिए मैं बाइक लेके घूम रहा हूँ, तो दूसरों को भी पता चलता है भाई इस तरह से इजीली साइबर क्राइम किया जाता है और इजीली पैसे मिलते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम करना चालू करते हैं। तो जब हम इसकी कंप्लेन करेंगे पुलिस में, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, तो एक मैसेज जाएगा क्रिमिनल के पास कि ये साइबर क्राइम हमें नहीं करना है, साइबर क्राइम करने से पुलिस पकड़ के लेके जाएगी या सजा होगी 3 साल की 5 साल की। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुलिस के पास आए, कंप्लेन करें। अभी जो मैं प्रेजेंटेशन में आपको या साइबर क्राइम के बारे में जो बताऊंगा, अगर आपके साथ किसी लेडीज के साथ, बच्चे के साथ, सीनियर सिटीजन या किसी के साथ इस तरह से कोई साइबर क्राइम हो रहा है या पहले हुआ है, तो आगे आइए, कंप्लेन लिखवाइए आप, ताकि हमें पता चले भाई कितने लोगों के साथ क्राइम हो रहा है और हम उसको रोक सकें। बस ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन बुक करवाइए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे। मेन तो हम बात करेंगे कि डेटा क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, कॉमन साइबर अटैक्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन के साथ कौन से साइबर क्राइम होते हैं, महिला और बच्चों के साथ कौन से साइबर क्राइम होते हैं, सेफ्टी टिप क्या है, अगर समझो सब ये क्राइम होता है तो उसके लिए हम कौन सी सेफ्टी टिप कर सकते हैं, कैसे सेफ रह सकते हैं, वो बात करेंगे। पूरी सेफ्टी टिप्स लेने के बाद, अगर सेफ रहने के बाद भी अगर कुछ क्राइम हो जाता है तो उसका किस तरह से डील करना है, कहाँ कंप्लेन लिखवानी है, क्या करना है, कहाँ जाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हमारे डेटा के बारे में। अब जानते हैं कि आजकल के टाइम में डेटा जो है वो गोल्ड माइन है, डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डेटा का यूज करके, अगेंस्ट में यूज करके आपके साथ साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों का आपका डेटा है, उसकी वजह से वो बिजनेस कर रहे हैं। तो डेटा हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेटा आपके मोबाइल में हो सकता है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है, लैपटॉप में हो सकता है। तो हमें अपने डेटा को कैसे सेफ रखना है, डेटा जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के रूप में होता है, आपके मोबाइल के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट है, मैसेजेस है, वीडियो फोटो है, पासवर्ड लॉगिन की डिटेल होती है आपके मोबाइल के अंदर,
एप्लीकेशन डेटा है जो आप एप्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप में कंप्यूटर लैपटॉप में रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं उसकी लोकेशन की पूरी हिस्ट्री होती है ऑनलाइन। तो यही चीजों को यूज करके आपके अगेंस्ट में, अगर ये डेटा आपका है तो क्रिमिनल आपके अगेंस्ट में इसी डेटा को यूज करके आपको एक्सट्रॉशन कर सकते हैं और क्राइम कर सकते हैं। देखिए आप सोचोगे कि भाई क्या है डेटा, अगर मेरे कॉन्टेक्ट किसी को पता भी चल गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप रोज रोज देखते होंगे पढ़ते होंगे कि फेसबुक पे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करके उसी आपके अकाउंट का ही यूज करके आपके जो कॉन्टेक्ट है उन सबसे पैसे मांगे जाते हैं कि भाई आप बहुत परेशानी में है, मुसीबत में है, इमरजेंसी है, रात को 12 बजे आपको मैसेज आएगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए। आप सोचोगे कि मेरा फ्रेंड है वो मुसीबत में है, उसकी मदर बीमार है, तो आप उसको रात को 12 बजे 1 बजे मैसेज आते हैं और आप उसको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरे जब दिन जब आपको पूछते हो भाई कैसे है आपकी मदर की तबीयत क्या है, कैसे आपको पैसे पहुंच गए, तो वो आपको बताता है भाई मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो आपको कॉल किया है मैसेज किया ही नहीं है। तो तब आपको पता चलता है कि भाई ये तो आपके साथ साइबर क्राइम हो गया। तो आपके ही कॉन्टेक्ट का यूज करके ये लोग आपके साथ साइबर क्राइम करते हैं। तो कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैसेज है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके बिजनेस के मैसेज हो सकते हैं, आपके पर्सनल मैसेज हो सकते हैं, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके मैसेज हो सकते हैं, बहुत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के मैसेज हो सकते हैं। तो इन्हीं मैसेज अगर किसी क्रिमिनल के पास आपके मैसेज आ गए तो उसी मैसेज के थ्रू ही आपके साथ क्राइम करेगा। आपके आईडी पासवर्ड या जो भी है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको पता चल गया, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, तो आपके अकाउंट हैक करके आपके साथ क्राइम कर सकता है। आपके मोबाइल के अंदर फोटो वीडियो हो सकते हैं, कुछ वीडियो फोटो ऐसे होते हैं जो बहुत ही निजी होते हैं, पर्सनल होते हैं, सिर्फ अपने लिए होते हैं, किसी और को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी क्रिमिनल के पास आपके ऐसे फोटो वीडियो आ जाते हैं तो वो आपको डरा के धमका के आपसे पैसे मांग सकते हैं, भाई आपके ये फोटो में वीडियो जो है वायरल कर दूंगा, नहीं तो मुझे 1 लाख दे दीजिए। तो आपके वीडियो और फोटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल के अंदर काफ़ी हमारे लॉगिन्स और पासवर्ड सेव रहते हैं, अगर उसका क्रिमिनल के हाथ में आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये एक चाबी है पासवर्ड आपके हर अकाउंट की, उनको अगर आईडी पासवर्ड आपके हाथ में आ गया तो वो कुछ भी क्राइम कर सकता है उसी अकाउंट का यूज़ करके। जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपका काफ़ी डेटा है, वो अगर क्रिमिनल के पास आ गया तो वो उस एप्लीकेशन के डेटा से आपका मिसयूज़ करके क्राइम कर सकता है। अभी तो देखिए अभी हेल्थ के अभी लेटेस्ट गेजेज आ गए, रिस्ट वॉच पहनते हैं उसके अंदर आपके हेल्थ के डेटा भी रहते हैं, तो काफ़ी एप्लीकेशन पे हमारा काफ़ी डेटा रहता है। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मोबाइल के अंदर, आपके पैन कार्ड हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकते हैं, वोटर कार्ड हो सकते हैं, उसका यूज़ करके क्रिमिनल क्राइम कर सकता है। आप लोकेशन है कहाँ जा रहे हैं, आप कौन से बिजनेस पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, आपके क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उसको पता चला भाई आप इस तरह गए किसी बिजनेस के लिए गए और वहाँ जाके आपका क्लाइंट से मिले या वेंडर से मिले, तो वो उसका यूज़ करके आपका बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। तो जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, हमारे लिए गोल्ड माइन है, तो इससे हमें सेफ रखना है डेटा को। और आगे हम बात करेंगे वो डेटा को हम कैसे सेफ रखेंगे, क्या करेंगे। दूसरा है डिजिटल फुटप्रिंट। ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, आपने देखा होगा सीरियल देखते हैं, पिक्चर्स में देते हैं, कोई क्राइम होता है तो पुलिस आती है, क्राइम सीन की विजिट करती है, वहाँ से ब्लड के सैंपल लेती है या फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती है। ये जो फिजिकली कहीं क्राइम होता है तो वो उसकी बात है। इसी तरह हम ऑनलाइन जब होते हैं तो भी हम कितनी जगह हमारा फुटप्रिंट रह जाता है डिजिटल। आप गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो गूगल के पास आपकी पूरी हिस्ट्री रहती है, आपने क्या सर्च किया। क्रोम में जाके आपको वेबसाइट यूज सर्च करते हैं, ओपन करते हैं तो क्रोम के पास आपकी पूरी हिस्ट्री रहती है, आपने कौन सी वेबसाइट की। आपकी जो ISP है, सर्विस प्रोवाइडर है जिसका आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करें, उसे पता है आपका IP एड्रेस क्या है या कौन सी साइट है आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके काफ़ी डिजिटल फुटप्रिंट रहते हैं। कहने का मतलब हम ऑनलाइन जहाँ जहाँ पूरा दिन 8-10 घंटे आप जो काम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को क्राइम करते हैं, किसी को भी वीडियो भेज दिया, फोटो भेज दिया ऑब्जेक्शनेबल, उसको बदनाम करने की वजह से, उसको डराने धमकाने की, तो उसे ये पता नहीं होता भाई उसके डिजिटल फुटप्रिंट वहाँ रह जाते हैं। जब ये केस पुलिस के पास आती है तो इसी डिजिटल फुटप्रिंट के लिए, इसी एविडेंस का यूज़ करके हम क्रिमिनल तक पहुँचते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी डिजिटल फुटप्रिंट रहते हैं ऑनलाइन, तो ऐसा कुछ भी काम हमें नहीं करना है।
आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मैं फेक आईडी बना के किसी को भी परेशान कर सकता हूँ, किसी को भी मैसेज भेज सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी का भी अकाउंट हैक कर सकता हूँ, तो आपकी पूरी जानकारी मिल सकती है, आप कौन से आईपी से लॉग इन हुए हैं, आपका आईएसपी क्या है, आपने गूगल पे क्या सर्च किया है, क्रोम में क्या सर्च किया है, उसी से पता चलता है कि आपके बारे में आपने क्या क्या किया है। तो ऐसा कुछ भी काम हमको नहीं करना है जिससे हम प्रॉब्लम में आ सके। कितनी बार ये देखा गया है कि बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन उनके भाई के नाम पे होता है, सिम कार्ड किसी और के नाम पे होता है, और वो जाने अनजाने किसी को परेशान करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए किसी को भी परेशान करते हैं, फोटो वीडियो या कुछ भी भेज देते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन होता है तो हम जब पूरा डिटेल निकालते हैं, भाई सिम कार्ड किसका है, आईएसपी किसके नाम पे है, किसका आईपी है, तो बुलाते जब माँ बाप को पुलिस स्टेशन, तो उनको तब पता चलता है माँ बाप को कि हमारे बच्चों ने ऐसा किया। उनको तो पता ही नहीं होता है कि ये इस तरह से हमारे बच्चों ने किसी को मैसेज भेजा या फोटो भेजा या कुछ भी किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके बच्चे अगर समझो किसी आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप समझाइए कि भाई किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा मैसेज वगैरह फोटो नहीं भेजना जिससे आप मुसीबत में आ सके और पुलिस आप तक पहुँचे। ये थोड़ा डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। अब कुछ कॉमन अटैक है जिससे साइबर क्रिमिनल हमारे साथ क्राइम करते हैं। बेसिक यही अटैक, इसी से पूरा साइबर क्राइम होता है, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग है, स्पूफिंग है, वायरस अटैक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। हैकिंग क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल आपके सिस्टम के अंदर, मोबाइल के अंदर या प्रोफाइल के अंदर बिना कंसेंट, आपके परमिशन के बिना, अगर उसको पासवर्ड मिल गया है और आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा है, कंप्यूटर में कुछ कर रहा है, डेटा ले रहा है, डेटा चोरी कर रहा है, डेटा डिलीट कर रहा है जिसमें आपकी परमिशन नहीं है, तो ऐसे हैकिंग कहा जाता है। जिसमें उसके पास कहीं से भी आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है और आपके सिस्टम में एंटर होके वो कुछ भी कर सकता है, तो इसे हैकिंग कहा जाता है। ये हैकिंग एक क्राइम है, आईटी एक्ट 65 के तहत उसको सजा हो सकती है। तो हैकिंग होने का रीज़न मेन क्या है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पासवर्ड बहुत ही ईजी रखते हैं, हम पासवर्ड बहुत ही ईजी रखते हैं जो कोई भी गेस कर सकता है। जैसे भाई का नाम रख दिया, सिस्टर का नाम रख दिया, बर्थ डेट रख दिया, तो इस तरह के इजी पासवर्ड हम रखते हैं जो इजीली गेस होते हैं। अभी कितनी एप्लीकेशन ऐसे है जिससे वो पासवर्ड के बारे में जानकारी ले सकता है, सोशल इंजीनियरिंग से आपकी पासवर्ड की जानकारी ले सकता है। तो पासवर्ड जो है हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसके अंदर कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। इस तरह से ये पासवर्ड एक बनाया जाता है, और हर एप्लीकेशन का अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए। हमारा याहू का अकाउंट है तो उसका अलग पासवर्ड होना चाहिए, जीमेल के लिए अलग होना चाहिए, फेसबुक के लिए अलग होना चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए अलग होना चाहिए, और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो नॉनसेंस जैसा लगे, जो इजीली गेस ना कर सके, कुछ भी मीनिंग हो सकती है। या तो आप ऐसा रख सकते हैं भाई, जैसे फ्रेज होते हैं, कैपिटल इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से ये इसके जो फर्स्ट कैरेक्टर आप लेके उससे पासवर्ड बना सकते हैं। लास्ट में फिर और मजबूत करना है तो @123 लगा सकते हैं। या जैसे पोएम होती है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर, तो इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं उसका कैरेक्टर लेके, तो जो आपको इजीली याद भी रहे, गेस भी नहीं कर सके कोई, और आपका सिस्टम सेफ रहे। आई एम ऑडिबल, मेरा सुनाई दे रहा है सबको महेश जी? अब ये फिशिंग है, अब फिशिंग के बारे में मैं बताऊं तो ये क्या होता है कि अटैकर क्या करते हैं, आपको एक ईमेल भेजते हैं। उनका मेन मकसद ये रहता है कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल जैसे आपका आईडी पासवर्ड है, बैंक डिटेल है, उनको उसकी जरूरत होती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपको ईमेल भेजते हैं। एक ईमेल जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी रेप्यूटेड कंपनी से ही ईमेल आया है। किसी रेप्यूटेड बैंक से, जैसे SBI बैंक से आया है, या ICICI बैंक से आया है, फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम से आया है, आपको ऐसा लगा कि वहाँ से आया है, और इसमें ऐसा कुछ लिखा होता है जो आप फिर मजबूर हो जाते हैं उस मेल को ओपन करने के लिए। उसमें ऐसा लिखा जाता है
कि भाई आपके अकाउंट में कोई शेडी एक्टिविटी देखी है हमने, कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके अकाउंट के अंदर और हम आपका अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ दी हुई लिंक पे क्लिक करके आपका आईडी पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट वेरीफाई कीजिए, तो आप डर जाते हैं कि भाई ये मेरे कौन से ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में हो रहे हैं। तुरंत ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो सामने आपको जैसे दिख रहा है भाई ICICI बैंक का ईमेल आया है। अब ये एक फेक साइड है, ICICI का वेबसाइट नहीं है लेकिन किसी सेम फेक एक वेबसाइट बनाई गई है ICICI बैंक की तरह, उसमें हम पता नहीं चलता है भाई ये फेक है क्या, हम ओरिजिनल समझ के उसके अंदर लॉगिन अपना आईडी और पासवर्ड डालते थे। जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करोगे तो फिर आगे आपका चलेगा ही नहीं है और डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप फिर छोड़ दोगे। तो इस तरह से उनको मेन क्या हुआ, आपका आईडी और पासवर्ड चाहिए, वो आईडी और पासवर्ड आपका मिल गया, उसके बाद आपके ओरिजिनल ICICI बैंक के वेबसाइट में जाके आपके आईडी पासवर्ड का यूज करके आपके अकाउंट्स के साथ कुछ भी क्राइम कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई मेल आता है तो मेन आपको देखना है कि इसका URL क्या है। URL देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये, जैसे ये देखिए Amazon का जो है, Amazon में उसका स्पेलिंग रहता है AMAZON.com, और इसमें ये दिख रहा है आपको पूरा URL? यस सर, दिख रहा है। तो इसमें देखिए जो लिखा है AMAZON लिखा है, ये डबल एन लिखा है, तो ये हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते भाई URL क्या है। एक्चुअली हम ऐसा समझते हैं भाई ये Amazon की साइड है और उस पर जाके आईडी पासवर्ड डाल के अपना काम करने जाते हैं, तो वो आईडी पासवर्ड हमारा हैक हो जाता है। तो इस तरह से जब ऐसे फिशिंग मेल आते हैं तो उसमें सोर्स चेक किया जाता है धीरे से शांति से कि भाई क्या है, कहाँ से आया है। कोई भी क्लिक लिंक अगर आपके उसके अंदर दिए है तो बिना सोचे समझे लिंक को ओपन नहीं करना है, पहले सोचना है कि भाई लिंक को ओपन किया है। अगर लिंक ओपन भी कर लिया तो उसके मतलब आपको आईडी और पासवर्ड मांगा जाए तो वो तो बिल्कुल सतर्क रहना भाई, आईडी और पासवर्ड आपको कहीं डालना नहीं है। कोई बैंक आपको ऐसा ईमेल नहीं भेजती है, कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन नहीं करवाना चाहती है कॉल करके या कुछ भी नहीं पूछती है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए भाई। कोई भी इंक्वायरी जो होती है कभी बैंक करती है तो पर्सनली बुला के ही करती है, इस तरह से ईमेल से या फोन कॉल पे कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये देखना है आपको। URL देखना है कि URL जो आप जो ओपन किया है वो सही है कि नहीं, तो ये थोड़ा प्रिकॉशन है आपको फिशिंग से बचने के लिए। दूसरा ये है विशिंग, विशिंग यानी वॉइस ओवर फिशिंग। इसमें क्या होता है कि आपको कॉल आता है किसी का, कॉल आता है और आपको ऐसा कहा जाता है भाई इस बैंक से हम बोल रहे हैं, SBI बैंक से बोल रहे हैं, ICICI बैंक से बोल रहे हैं, फिर वही चीज़ें होती है कि भाई आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन करना है हमें और आप हमें आपका ATM कार्ड की डिटेल दीजिए, बताइए। ATM कार्ड नंबर मांगा जाता है, CVV नंबर मांगा जाता है, एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी डिटेल मांग के फिर आपको एक OTP आता है, तो हम OTP दे देते हैं और OTP देने के साथ ही आपके साथ क्राइम हो जाता है। तो इस तरह से कॉल करके जो क्राइम करते हैं उसे हम विशिंग कहते हैं। तो ये सेम फिशिंग की तरह है, अगर किसी का कॉल आता है तो उसको इग्नोर करना है, किसी का फोन कॉल उठाना नहीं है। बार बार अगर कॉल आता है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी बैंक आपसे कॉल करके कुछ भी डिटेल नहीं मांगती है, कोई भी कंपनी जो होती है अगर आपके अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए काफ़ी टाइम देते हैं आपको उसको सही करने के लिए, एकदम तुरंत ही वो अकाउंट ब्लॉक नहीं कर देते, ATM कार्ड बंद नहीं कर देते। तो इस तरह से ये विशिंग कॉल करके भी आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। उसके बाद है स्मिशिंग, स्मिशिंग में क्या होता है आपको एक SMS आता है, SMS स्मिशिंग यानी SMS प्लस फिशिंग को से बना गया है स्मिशिंग। उसमें आपको SMS आते हैं, आजकल बहुत ही SMS काफ़ी आते हैं, रोज आप देखोगे 8-10 SMS आपके बेकार के फालतू आ जाते हैं। उसमें देखे जैसे ये SMS आया है 17,50,000 कोक प्रोमो में आपको, आप विनर हुए, आपका मोबाइल नंबर सिलेक्ट हो गया है, तो आप अगर ये पैसे क्लेम करने हैं तो आप इस लिंक पे चले जाइए। जैसे आप लिंक पे जाएंगे तो वहाँ से फिर वहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी और फिर आपके डेटा हैक हो जाएंगे और वो आपके डेटा का यूज़ करके ही आपके सामने फिर क्राइम करेंगे, आपका ओरिजिनल अकाउंट में जाके आपके साथ क्राइम हो जाता है। तो ये स्मिशिंग है, ये SMS अगर कोई आते हैं तो उसको हमको इग्नोर करना है, कोई भी SMS पे ध्यान नहीं देना है। दूसरा है स्पूफिंग, स्पूफिंग में क्या होता है कि किसी और की आइडेंटिटी यूज करके ये लोग आपको मेल भेजते हैं, इसको
आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, जैसे जो आपको देख रहे हैं कि इसमें जो अटैकर है उसमें आफरीन शेख का जो है वो आइडेंटिटी का यूज करके विवेक को एक मैसेज भेजा है और उससे पर्सनली बात की है। विवेक को लग रहा है कि भाई मेरे से आफरीन बात कर रही है, लेकिन ये जो है अटैकर ने आइडेंटिटी यूज की है आफरीन की और वो विवेक के साथ बातचीत कर रहा है या मेल भेज रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे स्पूफ मेल आते हैं, कॉल आते हैं, तो उसमें हमको बचना है कि ऐसा कुछ भी अगर पर्सनल डिटेल मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो हमें कभी भी कोई पर्सनल डिटेल अपनी नहीं देनी है, किसी के साथ फोन कॉल पे बात नहीं करना है, मेल पे कोई डिटेल नहीं देनी है। तो इस तरह से स्पूफिंग का क्राइम होता है। ये वायरस अटैक है ये तो आपने आपको सबको पता होगा था कि मोबाइल के अंदर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं, हम कोई भी लिंक जाने अनजाने में ओपन कर देते हैं। कोई म्यूजिक के म्यूजिक डाउनलोड करना है तो म्यूजिक के लिंक से जाके म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, मूवीज डाउनलोड करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि किसके अंदर मालवेयर है, वायरस है, वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। कुछ हमको ऐसा होता है कि वायरस हमारे डेटा को डिलीट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वायरस होते हैं वो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैकडोर में जो क्रिमिनल जिसने हैकर ने ये वायरस बनाया, वायरस यानी क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है कंप्यूटर का जो ऐसे बनाया जाता है कि वो अटैकर को पूरी आपके कंप्यूटर की डिटेल वो बैकडोर से देते जाते हैं, आपके क्लाइंट की डिटेल, आपके कस्टमर की डिटेल, आपके ईमेल की डिटेल, पूरी डिटेल उन तक पहुंच जाती है और आपके साथ क्राइम होता है। तो ये वायरस अटैक से हमें बचना है, कोई भी लिंक जाने अनजाने में ओपन नहीं करनी है, कोई भी हमेशा जो भी आपको डाउनलोड करना है कुछ भी तो ट्रस्टेड सोर्स से कीजिए, ऑथोराइज वेबसाइट से कीजिए। कोई आपको लिंक भेजता है, कहीं भी व्हाट्सएप में लिंक आ गई, कोई भी ऐप कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। इन्हीं सब अटैक का यूज करके ये इस तरह से क्राइम होते हैं, जैसे बैंक फ्रॉड हो जाते हैं मेन। अच्छा, एक दूसरा और मैं बताऊंगा कि आजकल क्रिमिनल क्या करते हैं कि ये तो कॉल करते हैं, SMS भेजते हैं या आपको ईमेल भेजते हैं, उसके अलावा अभी क्या होता है, क्या है, क्रिमिनल को भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम करने के तरीके भी बढ़ गए। पहले जैसे था कि हमसे OTP मांग के क्राइम किया जाता था, अभी सबको पता चल गया है कि भाई OTP मुझे नहीं देना है। अब OTP देना हमने बंद किया तो अभी क्रिमिनल ने क्या किया कि आपको कॉल करके KYC करने के बहाने से, आपका मोबाइल का KYC करना है, सिम कार्ड का करना है, आपके अकाउंट का KYC करना है, पेटीएम का KYC करना है, उसमें आपको ये ट्रस्ट दिया जाता है कि भाई आपको हमें कुछ भी नहीं देना है, आपको ना तो हमें OTP देना है, ना CVV नंबर देना है, कुछ भी नहीं देना है, आपको खुद ही ऑनलाइन ही पूरा KYC करना है। तो हमें ट्रस्ट आ जाता है कि भाई हमें कुछ देना नहीं है, तो हम उनके ट्रस्ट में आ जाते हैं और उनसे बात करना चालू रखते हैं। उसके बाद क्या है, वो आपको कहते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं आपसे। वो एप्लीकेशन होती है जैसे क्विक सपोर्ट है या AnyDesk है या TeamViewer, ऐसी एप्लीकेशन आती है जो आपसे डाउनलोड करवाते हैं। उसमें क्या होता है इस एप्लीकेशन के अंदर, वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में एक बार आपने डाउनलोड कर दिया और उसका आईडी अगर क्रिमिनल को दे दिया तो आपके मोबाइल का पूरा मिरर इमेज बन जाता है, मिरर इमेज पूरा क्रिमिनल को दिखता है, जिससे क्रिमिनल को पता चलता है आप पूरा मोबाइल के अंदर क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्रिमिनल कर रहा है तो OTP आपको आ रहा है, OTP जैसे आपको आ रहा है तो वो पूरा क्रिमिनल को भी दिख रहा है OTP, यानी पूरा मिरर इमेज बन रहा है उसको, आपसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ सामने से मिल रहा है और वो आपके साथ क्राइम करते हैं। तो इस तरह से अगर कभी कोई आपके साथ कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है तो आपको अलर्ट रहना है कि भाई मुझे ऐसे क्विक सपोर्ट या AnyDesk या कोई TeamViewer नाम की जो एप्लीकेशन आती है वो कभी भी मोबाइल में हमें डाउनलोड नहीं करनी है। तो ये कुछ फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड हो जाते हैं, लॉटरी के नाम पे फ्रॉड हो जाते हैं। अभी KBC चल रहा है तो आपको KBC की 25 लाख की लॉटरी लगी है, इस तरह से मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई जब हमने KBC में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो हमको लॉटरी कैसे लगेगी, हम लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं तो, और उस पर भरोसा रख के बराबर। आप सोचिए अभी कि अभी आप सिग्नल पे खड़े हैं, आप कोई बेगर आता है और आप कांच को नॉक करके आपसे 5 रुपया मांगता है, 10 रुपया मांगते हैं, आप उसको देख रहे हो कि भाई ये बेगर है, मांग रहा है, तो भी आप कभी 5 रुपया 10 रुपया उसे नहीं देते हैं। जिसको देख रहे हैं वो आपके गाड़ी का कांच भी साफ करेगा, बोनेट भी साफ करेगा, इतनी मेहनत करेगा, उसके बाद भी हम 5 या 10 रुपया उसे नहीं देते। तो कोई इंसान आपको बिना देखे बिना पहचाने 25 लाख रुपया कैसे दे सकता है? आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आप किसी को 5 रुपया नहीं देना चाहते तो कोई आपको 25 लाख कैसे देगा? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए भाई, इस तरह से मेरे को लॉटरी क्यों लगेगी?
लेकिन हम उसी चक्कर में आ जाते हैं। क्रिमिनल इतने शातिर होते हैं, वो कहते हैं कि ये आपको किसी को बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके और हमारे बीच में बात होनी चाहिए। तो ये इस तरह से फ्रॉड करते हैं। तो ये लॉटरी फ्रॉड जो होते हैं उससे बचना है हमें। सोशल मीडिया फ्रॉड आपको पता है कितने सारे हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड तो दिन रात हो रहे हैं। आप मंगवाएंगे मोबाइल, निकलेगा साबू अंदर से, डमी मोबाइल निकलेगा। सिम स्वैप कार्ड का फ्रॉड हो जाता है, कस्टमर केयर के फ्रॉड रहते हैं। ओलेक्स पे चीज़ें लेने और बेचने के लिए हम पुराने रखते हैं, उस पर आर्मी मैन बन के हमसे फ्रॉड किया जाता है। कोई भी इंसान आपको कॉल करेगा, आप जैसे ही उस पर रखोगे कोई चीज़ बेचने के लिए, एसी रखा या सोफा रखा कुछ भी, आधे घंटे में आपको कॉल आ जाएगा कि हमें ये आपकी चीज़ चाहिए बिना देखे ही, और हम ये शाम को कलेक्ट कर लेंगे आपके घर से चीज़, और अभी मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मेरी ट्रांसफ़र अहमदाबाद हुई है और मैं दो दिन में आने वाला हूँ, तब ये चीज़ कलेक्ट कर लूँगा, अभी मैं आपको ऑनलाइन पैसे दे रहा हूँ, बुक कर रहा हूँ ये चीज़। आप सोचोगे आधे घंटे के अंदर मेरे सोफ़ा या एसी बिक रहा है, जिसका ग्राहक मिल नहीं रहा था मेरे को फिर, तो उसके चक्कर में आके अब वो आपको गूगल पे या फ़ोन पे से पैसे देने के लिए ट्राई करेगा। आप कभी ट्रांजेक्शन करते नहीं हो तो पता नहीं है, आप अवेयर नहीं है कि किस तरह से ट्रांजेक्शन किया जाता है। वो आपको QR कोड भेजेगा, आपको पता ही नहीं है कि भाई जब पैसे मुझे लेने हैं तो उस टाइम मुझे QR कोड स्कैन नहीं करना है। QR कोड सिर्फ हमें जब पैसे देने होते हैं तभी स्कैन किया जाता है, या UPI पिन जो होते हैं तभी एंटर की जाती है। लेकिन आप खुश हो जाते हो कि भाई मेरी चीज़ बिक रही है, तो बाकी सब चीज़ें भूल जाते हो आप। और वो आर्मी मैन है, आर्मी मैन है, आर्मी पे तो ट्रस्ट सबको आएगा। तो इसी वजह से हम उसके झांसे में आ जाते हैं, वो जैसे कहता वैसे करते हैं, वो QR कोड भेजता है, हम उसको स्कैन करते हैं तो हमारे पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह से क्राइम हो रहे हैं ये ओलेक्स पे, रैनसमवेयर अटैक आ रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ बहुत हो रहे हैं रैनसमवेयर अटैक। जॉब फ्रॉड हो रहे हैं, आजकल कोरोना की वजह से जॉब चली गई है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, तो हर इंसान चाहता है मैं कुछ जॉब ढूंढूं, ऑनलाइन ढूंढूं, घर बैठ के काम करूं, माँ बाप को मदद करूं, इसलिए वो जो भी ऐड आती है तो उसमें उसके जैसे में आ जाते हैं और उनके साथ जॉब फ्रॉड हो जाता है। मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, लोन फ्रॉड है, लोन देने आजकल आपने सुना होगा कितनी सारी चाइनीज ऐप गवर्नमेंट ने बंद कर दी, आपको बिना डॉक्यूमेंट मांगे कुछ भी छोटा छोटा लोन दे रहे हैं, 5,000-10,000 लोन दे रहे हैं। तो उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके जितने सोशल मीडिया वहाँ पे अगर आपने लोन समझो उनको किस्त नहीं दी टाइम से तो उस पर आपको वायरल कर देते हैं, आपको आपको बदनाम कर देते हैं। इसके चलते हुए साउथ में तो 2-3 लोगों ने सुसाइड भी कर दिया, उनको डर गया भाई हमारा पूरा रेपुटेशन खराब हो रहा है, हमने लोन लिया वापस नहीं दे रहे। तो ऐसे चाइनीज ऐप काफ़ी है जो ऐसे फ्रॉड कर रही है, और गवर्नमेंट ने कितनी चाइनीज ऐप बंद भी की है लोन देने के लिए। इंश्योरेंस फ्रॉड हो जाता है, इनकम टैक्स फ्रॉड होता है बिजनेसमैन के साथ, GST रिटर्न के नाम पे फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये सब जो फ्रॉड होते हैं उसमें सिर्फ मैंने जैसे आपको टेक्निक बताई है, फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग है, या वायरस अटैक है, या जो भी है वही टेक्निक यूज करके करते हैं। अब बिजनेसमैन के अगेंस्ट में कौन से साइबर क्राइम होते हैं मैं उसका थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा आपको। ये सिम स्वैप फ्रॉड है, जैसे मैंने बताया आपको, देखिए आपका आपके पास जो सिम कार्ड है, आपका नंबर है, वो कितने टाइम से आपके पास है, न जाने कितनी जगह पे आपका लिंक किया हुआ है ये मोबाइल नंबर जो है। अगर सोचिए कि ये नंबर आपका बंद हो जाए और किसी और को मिल जाए तो कितना सारा फ्रॉड हो सकता है। इसमें यही होता है, आपका नंबर बंद हो जाता है और क्रिमिनल को ये नंबर इश्यू कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो सब ट्रांजेक्शन करके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। जब वो ट्रांजेक्शन करता है तो उसी नंबर पे, आपके नंबर पे उसको OTP उसको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। और ये खास करके सैटरडे संडे के दिन ही होता है जब आप, और ये पूरा आपकी जानकारी होती है क्रिमिनल के पास। आप कहीं जैसे आप गोवा घूमने गए, उसको पता है 2 दिन के लिए आप सैटरडे संडे में वेकेशन पे गोवा गए हैं, उसी टाइम ये क्राइम करते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी पूरी जो जानकारी है, वो जो तरीके मैंने बताया फिशिंग विशिंग जो है, वो उस जरिए आपकी पूरी जानकारी इनको होती है कि भाई आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बैंक अकाउंट क्या है। कई बार तो हम खुद ही अपना पूरा सोशल मीडिया पे इतना सारा पूरा पर्सनल डेटा दे देते हैं, तो वो पूरा आपको वॉच किया जाता है, रेकी की जाती है, पूरा आपका डेटा इकट्ठा करके उसके बाद एक आपके नाम की ID क्रिएट की जाती है, और वो ID लेके मोबाइल कंपनी के पास जाते हैं और वो सिम अपने नाम पे इशू करवा देते हैं। उनको इशू होने के बाद आपका अकाउंट सिम बंद हो जाता है, आपका नेटवर्क खत्म हो जाता है। आप बैठे हैं गोवा, सोचो अभी नहीं मिल हो रहा है तो क्या करेंगे, अभी जब अहमदाबाद जाऊंगा तब जाके मोबाइल कंपनी को कॉन्टेक्ट करूंगा और नया सिम या जो भी है चालू करूंगा। उस 2 दिन के अंदर तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो फोन पे SMS आते हैं उसके साथ आपको ईमेल में भी अलर्ट्स आए
ऐसा सेटिंग करना है, जब आपका नेटवर्क खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप मोबाइल कंपनी को अगर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, सैटरडे संडे बंद है, तो आप ईमेल में अगर आपको मैसेज आ रहे हैं आपके ट्रांजेक्शन के, तो तुरंत आप बैंक को या जो भी टोल फ्री नंबर है उसको बात करके आपका अकाउंट ब्लॉक करवा दीजिए, कार्ड बंद करवा दीजिए, ताकि वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सके ज़्यादा आपके। तो ये प्रिकॉशन लेनी है आपको, कहीं आपका आईडी पासवर्ड या जो भी पर्सनल डिटेल कहीं शेयर नहीं करनी है। तो इस तरह से ये सिम स्वैप जो फ्रॉड है काफ़ी बढ़ गया है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। रैंसमवेयर अटैक होते हैं, आपको पता है कि वायरस, मैंने जैसे बताया, हम कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, उसके साथ वायरस भी आपके अंदर आ जाते हैं। तो रैंसमवेयर अटैक जो है एक टाइप का एक मालवेयर है। रैंसमवेयर, रैंसम यानी आपको पता है फिरौती है, किसी को किडनैप करते हैं उसके बाद उससे फिरौती मांगी जाती है। तो इसमें फिरौती मांगी जाती है आपके डेटा के लिए, आपका डेटा वापस देने के नाम पर आपसे फिरौती मांगी जाती है। जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में एक वायरस आ जाता है और आपके मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर को पूरा लॉक किया जाता है, आपका पूरा डेटा जो होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, आप कुछ भी जो डेटा है वो काम का नहीं रहता है, आप खोलेंगे कोई भी फाइल आपको कुछ चीज़ रीडेबल नहीं होगी, पूरा गार्बेज डेटा होता है। फिर आपको मैसेज आता है, कॉल आता है कि भाई आपको अगर ये पूरा डेटा जो है आपको वापस चाहिए तो आपको हमको इतनी फिरौती देनी पड़ेगी, रैनसम देना पड़ेगा, वो भी आपसे बिटकॉइन में मांगा जाता है। अगर आप समझो बिटकॉइन में रैंसम देने के बाद भी कोई भरोसा नहीं कि वो आपका डेटा पूरा वापस दे, आपको कहा जाएगा भाई आप इतने पैसे दीजिए तो आपको हम एक की देंगे, वो की से ही आपका डेटा जो है वो वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा। तो इस तरह से रैंसमवेयर अटैक करके आपका पूरा डेटा जो है वो को टारगेट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है आपका, बिजनेसमैन के साथ खास हो रहा है। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, पहले तो मैंने जैसे बताया कि आपको कहीं से भी कोई अनट्रस्टेबल सोर्स जो होते हैं, अनऑथराइज सोर्स, वहाँ से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है। इसमें ऐसा होता है आपको एक हैबिट रखनी है कि आपको एक हार्ड ड्राइव होती है, जो हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, वो आपको साथ में रखनी है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसमें आपको टाइम टू टाइम इसका बैकअप लेना है। जैसे मंडे, हर मंडे पे आप बैकअप ले सकते हैं, एक कॉपी की जगह दो के तीन कॉपी में आप रखेंगे, कभी एक कॉपी खराब हो गई तो दूसरी आपको काम आ सकती है, जैसे इंपॉर्टेंट आपका डेटा है तो इस तरह से आप उसका बैकअप ले सकते हैं। आपका अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो उसके जो फाइल के एक्सटेंशन आपको दिखे इस तरह से सेटिंग करनी है। कभी भी समझो ईमेल में आपको exe फाइल आती है, exe नाम की फाइल कोई आती है तो उसको आपको इंस्टॉल नहीं करनी है कंप्यूटर के अंदर, उससे वायरस आ सकते हैं। कभी कभी तो ये दो नाम के साथ भी आता है वायरस, .mp4.exe, .avi.exe, .doc.exe, इस नाम की फाइलें आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई ये फाइलें जो है वो ये रैंसमवेयर अटैक के लिए जवाबदार है, तो उसको कभी डाउनलोड नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये थोड़े प्रिकॉशन आपको लेने हैं तो आप रैंसमवेयर अटैक से बच सकते हैं। फिर रैंसमवेयर, जैसे आपको बताया कि आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा भाई, इतने टाइम के अंदर अगर पैसे नहीं दिए तो आपको जो रैंसम जो है वो डबल हो जाएगा, आपको डराया धमकाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि प्राइवेट की विल बी डिस्ट्रॉय, ये तारीख को प्राइवेट की डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकोगे, इतने दिनों में पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये जो प्रिकॉशन मैंने बताया आपको रैंसमवेयर से बचने के लिए, कोई चीज़ पे क्लिक नहीं करनी, अनसेफ लिंक पे क्लिक नहीं करनी, वो सब मैंने यहाँ लिखा है। एक दूसरा क्राइम जो होता है बिजनेसमैन के साथ, उसको हम मैन इन द मिडल बोलते हैं, या ईमेल कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड भी कहते हैं, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी फॉरेन कंपनी में या फॉरेन कंट्री में किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सप्लायर का जो होता है, सप्लायर का ईमेल स्पूफ कर दिया जाता है। देखिए अभी इसमें ऐसा है, एक मेन जो आदमी बीच में होता है उसको दोनों पार्टी के बारे में पता होता है कि आप दोनों कंपनी के बारे में पूरा डिटेल होती है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे पैसे का लेन देन कर रहे हो। देखिए अभी ये जो ईमेल है, जैसे लिखा है ऊपर, दिख रहा है सर इसमें ईमेल आपको? महेश जी दिख रहा है आपको मेरा? दिख रहा है। क्लिफ ऑर्चर राइटर जैसे ये ईमेल है, इसमें ई को ए बना दिया जाता है, सेम, सिर्फ माइनर चेंज करके जो सप्लायर के जो ईमेल को स्पूफ किया जाता है, माइनर चेंज करके, उसके बाद जो है सामने वाली पार्टी को मेल चला जाता है। वो जब मेल ओपन करते हैं, वो मेल पूरा आपको जो जिस क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ कर रहे हैं, सेम वहां से आया, आपको ऐसा ही लगेगा
कहीं भी कुछ को आपको डाउट नहीं लगेगा कि मेल कहाँ से आया है कि दूसरी जगह से आया है। उसके बाद क्या होता है, उसमें अंदर मेल में लिखा होता है कि हमारे जो बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल चेंज हो गई है, हमारा बैंक अकाउंट चेंज कर दिया है हमें, तो अब आप जो भी पेमेंट करेंगे तो इस अकाउंट में करेंगे। अभी क्या होता है कि आपको पूरा ईमेल सेम दिख रहा है, आपको पता नहीं है कि स्पूफ मेल है, आप क्या करते हैं, जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें पैसे डाल देते हैं, पर आपने आपको ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाली पार्टी को पैसे दे दिए। 8 दिन 10 दिन के बाद आपको कॉल आएगा, भाई आपके पैसे नहीं आए, तब आपको पता चलेगा भाई ये जो है वो मेल स्पूफ मेल था और फेक मेल था, और आपने जो पैसे डाले वो गलत अकाउंट में डाल दिए हैं। तो आपको इसके लिए बचने के लिए क्या करना है, आपके एम्प्लॉय जो आपके मेल जो है, मेल जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसे बताना है भाई एवरी ईमेल को अच्छी तरह से चेक करना है, उसके ईमेल जो एड्रेस है उसको चेक करना है, कहाँ से आया वो देखना है। और कभी ऐसा अगर आपको मेल आता है भाई हमने बैंक डिटेल चेंज की है, अकाउंट चेंज किया है, तो आप सामने वाले पार्टी को कॉल करेंगे कि भाई आपके तरफ से मेल आया है, आपने अकाउंट की डिटेल चेंज की है कि क्या, हमें इस तरह से मिला है। तो अगर उसने की होगी तो बताएगा भाई मैंने की है, अगर नहीं की होगी तो आपको बताएगा कि भाई ये हमारा मेल नहीं है। और तो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। ये एक ज्यादा ही बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ में हो रहा है, अभी से इंडिविजुअल के साथ भी, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस तरह से ये क्राइम हो रहा है। ये न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड है, ये बिजनेसमैन तो नहीं लेकिन सबके साथ होता है। अब इसमें क्या होता है, हम सोशल इंजीनियरिंग जो सोशल मीडिया साइट्स है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे है, हमें कहीं से भी कोई प्रोफाइल, सुंदर प्रोफाइल, खूबसूरत पिक्चर्स दिखती है तो हम उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। खास करके जेंट्स क्या करते हैं, किसी लेडीज ने अगर भेजा है तो आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर धीरे धीरे मैसेंजर में आपकी चैटिंग होती है उसके साथ, धीरे धीरे क्या होता है आप इमोशनली अटैच होते जाते हो उसके साथ, उसके बाद आपके साथ व्हाट्सअप नंबर की लेन देन होती है, व्हाट्सअप नंबर के लेन देन होने के बाद व्हाट्सअप के मीडिया से आपसे वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर कभी क्या होता है कि वीडियो कॉल करते करते कभी क्या होता है कि वो लेडीज़ क्या करती है, अपने पूरे कपड़े निकालना शुरू कर देती है, न्यूड होना शुरू करती है, और आपको भी इंसिस्ट करती है भाई आप भी इस तरह से ही करें, आप भी इसी तरह से करें जैसे वो कहती है वैसे आप करते हैं। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं ये लोग, पूरा स्क्रीन जो है, स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आपके स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जिसमें वो लड़की तो दिख ही रही है, न्यूड हो रही है, और आप भी उसको देख रहे हो, आप भी कुछ भी उसके कहने के मुताबिक आप भी वैसे ही करते जाते हो। तो वो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको वो वीडियो भेजते हैं, भाई अभी आप भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हो, आप इस तरह से कर रहे हो, अभी मैं आपके पूरे जितने भी ग्रुप है, जितने भी कॉन्टेक्ट है, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करूँगी, नहीं तो मुझे पैसे दीजिए। अब से पैसे मांगे जाते हैं, अगर आप एक बार पैसे देंगे तो दोबारा मांगे जाएंगे, उससे ज़्यादा से उसके बाद फिर और जैसा ज़्यादा मांगे जाएंगे। इसमें आपको एक तो यूट्यूब से भी कॉल आता है कि भाई आपका ऐसा वीडियो आया है वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, आपको पुलिस डिपार्टमेंट CBI की तरफ से भी आता है भाई आपने इस तरह से ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से फिर आपको डराया धमकाया जाता है, तो इसमें आपसे इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है अननोन पर्सन, तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करनी, भले वो दिखने में कितना भी सुंदर है, क्या भी है, आपको पता नहीं है ऑनलाइन जो दिखता है एक्चुअली वो होता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 90% जो चीज़ें ऑनलाइन आपको दिख रही है वो होती नहीं है, तो कभी भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आप जाने पहचाने इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो भी उसको कॉल करके एक बार पूछ लीजिए भाई ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आई है क्या, उसके बाद ही आपको एक्सेप्ट करनी है। किसी को हमें अननोन पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी भी नहीं है और एक्सेप्ट भी नहीं करें, इसका यही एक इलाज है। तो ये काफ़ी आजकल बढ़ गया, रोज के 4-5 केसेस ऐसे आते हैं न्यूड कॉल के। पेटीएम KYC फ्रॉड होता है, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि फ्रॉड इंसान आपसे जो क्रिमिनल हो गई के एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, आपको कॉल आएगा कि आपका मैसेज आएगा SMS कि आपका जो पेटीएम KYC है वो करवाना पड़ेगा नहीं तो पेटीएम बंद हो जाएगा। अब डर जाओगे भाई पेटीएम के बिना तो मैं कैसे करूँगा काम, और आप उस नंबर पर कॉल करते हो, जैसे कॉल करोगे तो आपको बस वही वापस बताया जाएगा कि भाई आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसी से आपको पूरी KYC करनी है, आपको कुछ भी हमें बताना नहीं है। उस एप्लीकेशन के द्वारा आपका पूरा मोबाइल का मिरर इमेज सामने वालों को दिखता है और फिर आपके साथ ये फ्रॉड किया जाता है। अगर कोई ऐसा मैसेज आता है पेटीएम KYC करना है, सिम कार्ड KYC करना है, या अकाउंट का KYC करना है, तो ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा तो आप मोबाइल कंपनी में डायरेक्ट चले जाइए,
पेटीएम के ऑथोराइज वेबसाइट पे चले जाइए, कभी भी पेटीएम वाले इस तरह से केवाईसी ऑनलाइन नहीं करवाते, उनके सेंटर खुले हुए हैं केवाईसी के, वहाँ चले जाइए, वहाँ आप केवाईसी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। ये मैसेज इस तरह से आता है, डियर पेटीएम कस्टमर, योर पेटीएम केवाईसी हैज बीन सस्पेंडेड, पेटीएम ऑफिस पीएसए नंबर आता है और आप फिर उस पर कॉल करते हो, फिर जो मैंने आपको कहानी बताई इसी तरह पूरा होता है। इस तरह से मैसेज आते हैं, पेटीएम विल बी होल्ड योर पेटीएम अमाउंट आफ्टर सम टाइम, होल्ड आ जाएगा, आप कुछ को कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से जो ये एसएमएस आते हैं इसको इग्नोर करना है। जीएसटी रिफंड फ्रॉड आता है, आजकल हम बिजनेस में जीएसटी भरते हैं, उसमें रिफंड भी आपको आता है। तो आपको इस तरह से एक एसएमएस आता है, ड्यू टू COVID-19 आउटब्रेक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ जीएसटी रिफंड, क्लिक बिलो टू क्लेम योर रिफंड। तो इस तरह से आप जैसे ही ये लिंक पे क्लिक करोगे, ये फेक लिंक होती है, और फिर उस पर आपको लिंक पे पूरा जो फॉर्म ओपन होगा, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल पूरी सब भरवाई जाएगी, और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर ऐसा कुछ भी एसएमएस आता है तो उस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है, और जीएसटी ऑफिस में या उसके जो भी है वहाँ पर्सनली चले जाना है और वहाँ जाके बात करनी है जीएसटी के बारे में। इनकम टैक्स का भी सेम रहता है, इनकम टैक्स रिफंड के नाम पे आपको एसएमएस आते हैं, देखिए इस तरह से, योर इनकम टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज, और इसमें फिर जो अमाउंट है वो इस तरह से लिखते हैं कि आपको एकदम ट्रस्ट आ जाए, ये 15,480 पूरा, कभी भी राउंड फिगर नहीं लिखते, इस तरह से ये लिखते हैं जैसे सामने वालों को ट्रस्ट आ जाए। देखिए इसमें 16,988 रुपया, ये 39,280 रुपये, तो इस तरह से ये अमाउंट लिखते हैं जैसे आपको ट्रस्ट आ जाए भाई ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही आया है। इसमें भी फिर आपको नीचे जैसे लिंक दी गई है उस लिंक पे क्लिक करवाया जाता है, और फिर वहाँ पे पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल भरवा के आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इस तरह से के जो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो आते हैं एसएमएस, उसको भी इग्नोर करना है हमें। अब देखते हैं कि बच्चों के और महिलाओं के साथ कौन से क्राइम होते हैं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अक्सर ये क्राइम होते हैं कि साइबर बुलिंग है, ग्रूमिंग है, हेरासमेंट होती है, साइबर स्टॉक किया जाता है, फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, वॉयरिज्म का एक क्राइम होता है, ऑनलाइन गेम के बारे में अभी बच्चे बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें क्राइम हो जाता है, साइबर पोर्नोग्राफी से क्राइम होते हैं, ऑनलाइन स्कैम में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको गिफ्ट मिला है, इस तरह से करके आपके साथ क्राइम किया जाता है, आपके फोटो को मॉर्फ करके क्राइम किया जाता है। तो ये थोड़ा देखेंगे हम, ये साइबर बुलिंग क्या होता है। साइबर बुलिंग में एक्चुअली एक जात का हैरेसमेंट है, इसमें ये टीन एज बच्चों के साथ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसके साथ क्राइम किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी उसको कभी ईमेल भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है, कोई पोस्ट भेजी जाती है। इसमें क्या होता है कि टीनेजर का इसमें सेल्फ जो कॉन्फिडेंस, उसको हर्ट करने के लिए, उसको हैरास करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए सोसाइटी में, उनकी जो सोशल गैदरिंग है, समझो उसका व्हाट्सअप ग्रुप है या कहीं फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उसमें उनकी जो बदनामी करते हैं, उनको गलत गलत पोस्ट करते हैं, वीडियो पिक्चर्स वगैरह उसके बारे में। तो इस तरह से बच्चों के साथ ये शायद बुलिंग होती है, बच्चे डर जाते हैं, ये अक्सर माँ बाप को बताते नहीं है भाई हमें कोई बुली कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है हमें, तो वो माँ बाप को बताते नहीं है और वो ये क्राइम का शिकार होते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे देखिए जैसे अभी कुछ टाइम के लिए इंटरनेट पे होते हैं, तो उनका टाइम इंटरनेट पे ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी टाइम बढ़ जाता है, वो एक निशानी है कि भाई आपका बच्चा इंटरनेट पे ज़्यादा क्यों हो रहा है इन्वॉल्व। या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इंटरनेट यूज़ करना ही छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, बरोबर, कोई साइबर बुलिंग कर रहा है तो वो डर जाते हैं, इंटरनेट यूज़ करना ही छोड़ देते हैं, मोबाइल उठाते ही नहीं है। तो उससे भी आपको पता चल सकता है भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप कोई भी सवाल पूछोगे कि भाई कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो आपको बताएंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, आपसे नहीं बताएंगे। आप समझो उनके रूम में जा रहे हैं कभी, तो वो टैब बंद कर देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे, जो एप्लीकेशन देख रहे थे वो बंद कर देंगे। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा भाई हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं ऑनलाइन हरास किया जाता है। तो हमें बच्चों के साथ प्यार से बात करनी है, उनको समझाना है, जिस तरह से आप फिजिकल वर्ल्ड में बच्चों से बातचीत करते हो, भाई कुछ परेशानी तो नहीं है, कोई दूसरा कोई टेंशन तो नहीं है, इस तरह से आप बच्चों से ये भी पूछना चालू कर दिए, भाई सोशल मीडिया पे तो आपको कोई परेशान नहीं करा है, सोशल मीडिया पे तो आप सब कुछ बराबर चल रहा है ना। तो अगर आप प्यार से बात करेंगे बच्चों के साथ, तो आपको
वो बच्चे को ट्रस्ट आएगा आप पे और फिर धीरे धीरे आपको बताएंगे, या तो आप उनको बताइए कि भाई अगर कोई टीचर है, ट्रस्टेबल टीचर है, जो उसके साथ बच्चे इजीली बात कर सकते हैं तो वो टीचर से बात करें अगर उनको कोई परेशानी है तो। ये काफ़ी क्राइम बढ़ गया है बच्चों, काफ़ी सुसाइड भी हुए हैं इसमें, बच्चे माँ बाप को बता नहीं सकते हैं, वो सोचते हैं भाई क्या होगा अगर मैं मम्मी पापा को बताऊंगा तो हमें ही डांटेंगे। अक्सर ऐसा होता भी ऐसा है, अगर समझो बच्चे ने आपको बताया भाई किसी ने मेरे को गंदी तस्वीर भेजी है तो हम उसको ही डांटते हैं भाई, पूरा दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है, हम उससे मोबाइल ले लेते हैं, इंटरनेट बंद यूज़ करना उसके लिए बंद कर देते हैं, तो बच्चों को डर लगता है कि भाई ये इस तरह से करेंगे तो मुझे ही डांटा जाएगा। तो हमें बच्चों को ब्लेम नहीं करना है, एक तो उसके साथ क्राइम हो रहा है, गलती उसकी नहीं है, गलती सामने वाले की है जिसने क्राइम किया है, और हम अपने बच्चे को डांट रहे हैं। तो बच्चे के साथ बहुत प्यार से बात करनी है, उसको डांटना नहीं है। अगर कुछ ऐसा सीरियस लगे, आपको बहुत ही परेशान किया जाता है बच्चे को, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। काफ़ी माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि हम पुलिस में जाएंगे तो नाम खराब होगा, बदनामी हो गया। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एनोनिमस रह के आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं बताना नहीं, आपका नाम वगैरह कुछ नहीं बताना है, और आप ऐसी तरह से पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए, अगर कुछ आपके बच्चा है इसका शिकार हो रहा है साइबर बुलिंग का, उसको कोई परेशान कर रहा है, फोटो भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, कुछ भी हैरानगति है, हैरासमेंट है, तो आप पुलिस के पास आइए और आप कंप्लेंट कीजिए। साइबर ग्रूमिंग, इसमें क्या होता है कि अनजान इंसान, छोटे बच्चों के साथ ये खास क्राइम होता है, अनजान इंसान क्या करता है, क्रिमिनल बच्चों के साथ दोस्ती करता है, ऑनलाइन दोस्ती करता है, और धीरे 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 उनका ट्रस्ट गेन करता है, उनसे बातें करता है, उनका हमदर्द बनता है, उनकी बातें सुनने वाले, उनकी तकलीफें क्या है, उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है, बच्चों को उन पर पूरा ट्रस्ट आ जाता है कि भाई ये मेरा दोस्त है। अगर सामने लड़का है तो वो लड़की की आईडी बनाएंगे, लड़की है तो लड़के की आईडी बनाएंगे, और धीरे धीरे बच्चों से दोस्ती करते हैं, होते हैं बड़ी एज के, लेकिन वो इस तरह से आईडी बनाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, भाई छोटे उसी एज के हैं, और उनसे बातचीत करके उसका ट्रस्ट गेन करते हैं। जब बच्चों को उस पर ट्रस्ट आ जाता है, उसको अपना फ्रेंड मानने लगता है, फिर उनसे ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, वीडियो जो है यौन शोषण संबंधित जो मटेरियल है वो मांगा जाता है, उनको बताया जाता है भाई आप ऐसे पिक्चर क्लिक करो, इस तरह से करो, वो बच्चे फिर उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, बच्चों को भी ये जैसी होती है, मज़ा आता है, और बच्चे अपने वीडियो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके क्रिमिनल को भेजते हैं, उसे पता नहीं होता है कि एक्चुअली क्रिमिनल है, वो तो उसको अपने फ्रेंड मानते हैं और डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, इस तरह से उसको भेजते जाते हैं। एक बार उस क्रिमिनल के हाथ में उसके पिक्चर्स वीडियो वगैरह आ जाते हैं बच्चे के ऑब्जेक्शनेबल, तो फिर वो बच्चे को डरा के धमका के उनसे ये काम करवाते हैं। तो इस तरह से ये साइबर ग्रूमिंग आजकल छोटे बच्चों के साथ बहुत ही बढ़ गया है। तो इसमें भी मैंने आपको जैसे बताया कि आपको बच्चे का ट्रस्ट गेन करना है, बच्चे के साथ हमेशा प्यार से बात करनी है, उसके बिहेवियर को आपको टाइम टू टाइम चेक करना है, भाई क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ऑनलाइन कितना टाइम निकाल रहा है, यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन, अभी तो काफ़ी एप्लीकेशन आ गई है जिसमें आप पेरेंटल कंट्रोल भी रहता है, आप देख सकते हो कि आप कौन सी साइड पर आपका बच्चा कितना टाइम दे रहा है। तो इस तरह से आप बच्चे जो शिकार होते हैं इसके ग्रूमिंग का, तो उसको आप बचा सकते हैं। अगर इसमें भी आपको लगे कि ज़्यादा ही कुछ हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बच्चों को प्यार देना है, उसको सहानुभूति देनी है, जैसे उसको लगे कि भाई मेरे माँ बाप मेरे साथ है, कभी भी ऐसा कुछ भी गलत हो जाएगा तो वो माँ बाप मेरे साथ ही रहेंगे और वो कभी भी मुझे डांटेंगे नहीं। साइबर स्टॉकिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, दिख रहा है मेरा ये स्क्रीन, तो साइबर स्टॉकिंग का काफी क्राइम बढ़ गया। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि किसी भी महिला या लड़की या किसी का भी पीछा किया जाए तो उसको स्टॉक करना बोलते हैं, जैसे कोई ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में और उसका पीछा किया जाता है, इसी तरह ये ऑनलाइन भी लड़कियों का पीछा करते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कराए तो व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, उसके बाद चैटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे तो वहाँ स्विच ओवर करके इंस्टाग्राम पे आपके
पोस्ट को लाइक करेंगे, आपके आपको फॉलो करेंगे और बार बार आपको कांटेक्ट करते हैं, ये बार बार आपको मैसेज करते हैं, उसको नंबर आ गया तो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप मना करोगे उसके बाद भी ये आपको कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, इस तरह से ये साइबर स्टॉक करके लेडीज को परेशान करते हैं, हरास करते हैं। उनका इंटेंशन यही रहता है आपको डराना, धमकाना और फेवर मांगना, तो ये भी एक साइबर क्राइम है। अगर किसी लेडीज के साथ इस तरह से कोई स्टॉक कर रहा है और कर रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रूफ आपको रखने हैं, जैसे आपने किसी ने आपकी फेक आईडी बना के कुछ क्राइम कर रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, आपको कौन से ईमेल से मैसेज भेजा जाता है तो उसकी ईमेल का आपको प्रूफ रखना है, कौन से ईमेल से आपको मैसेज आ रहा है, कौन से साइट से मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज के स्क्रीनशॉट लें, आपको हार्ड कॉपी में भी रखना है और सॉफ्ट कॉपी में भी रखना है। जैसे आपको पता नहीं ये जो मैसेज होते हैं ईमेल, इससे पुलिस को ये पता चलता है भाई ये कौन से आईपी से आए हैं, कौन से आईएसपी का यूज़ किया है, किस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको डिजिटल फुटप्रिंट, उसमें क्रिमिनल डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देता है तो उससे हम इन्वेस्टिगेट करके उस तक पहुंच सकते हैं। तो पूरे प्रूफ हर जो क्राइम होता है उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सब चीज़ें प्रूफ एज अ प्रूफ रख के आपके पास कंप्लेंट करनी है। तो अगर कोई अननोन पर्सन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो एक्सेप्ट नहीं करनी है इसमें, तो इस तरह से ये साइबर स्टॉक करके परेशान कर रहे हैं। फेक अकाउंट बनाया जाता है आपके, आप तो देखते हैं अभी फेसबुक पे खास ये हो गया है कि आपका आपके जो ओरिजिनल आईडी है उससे पूरे आपके फोटो डाउनलोड करके उसको प्रोफाइल पिक्चर रख के कुछ भी मैसेज लिख देते हैं कि भाई ऐसा आपके बारे में गलत बारे में लिख देते हैं, जैसे आपकी बदनामी हो और लोग आपके बारे में गलत सोचने लगते हैं, आपको आपका मोबाइल नंबर रख दिया जाता है, आपको लोग कॉल करते हैं, इलीगल डिमांड करते रहते हैं, तो इस तरह से फेक आपका आईडी बन जाता है। तो इसमें भी यही प्रिकॉशन रखनी है कि भाई आपको जो है किसी की भी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, और ख़ास करके आपको प्रोफाइल लॉक रखना है इसमें। इसमें आपके सेटिंग रहती है फेसबुक इंस्टाग्राम में, आपके प्रोफाइल को लॉक रखना है, आपके अकाउंट को प्राइवेट रखना है। आप पब्लिक रखेंगे अकाउंट तो सबको दिखेगा और कोई भी आपके फोटो डाउनलोड कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो इसमें आपको अकाउंट प्राइवेट रखना है और पूरा प्रोफाइल लॉक रखना है। आप आज जरा देख लीजिए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उसमें, जो आपको लगे भाई ये ऐसे ही आ गया है, कोई मैंने एक्सेप्ट नहीं किया या भूल से आपने उसका फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको आप अनफ्रेंड कर सकते हैं। तो पूरा आपके फेसबुक अकाउंट को जरा सर्व कीजिए, उसमें कोई ऐसा अननोन पर्सन है तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा आप सावधानी रखेंगे तो ये फेक अकाउंट से बच सकते हैं आपके। ये मैं दिखाता हूँ कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कौन से सिक्योरिटी फीचर आप सेटिंग कर सकते हैं जैसे आपका अकाउंट सेफ रहे। आपको हर अकाउंट में अभी एक बताऊं कि आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी रहती है, डिजिटल आइडेंटिटी, उस डिजिटल आइडेंटिटी यानी आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है वो आपकी मेन, उसी से आप फेसबुक चलाते हो, उसी से इंस्टाग्राम चलाते हो, उसी से आप आपका एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है, एप्पल फ़ोन चल रहा है, आप जीमेल है, वो सब उसी एक आईडी से होता है। अगर वो आईडी का आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अगर किसी को मिल गया तो आपका हर अकाउंट वो एक्सेस कर सकता है। आजकल हम क्या करते हैं, हर अकाउंट में सेम पासवर्ड रखते हैं, जैसे मैंने बताया भाई फेसबुक में भी सेम, इंस्टाग्राम में भी सेम पासवर्ड है आपका, तो एक अगर आपका पासवर्ड किसी के पास आ गया तो सभी अकाउंट आपके हैक हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि सिर्फ जो हमारे ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड ही नहीं, उसके साथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपको ऑन रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपकी आईडी चेक कर सकते हैं, भाई आपकी आईडी कॉम्प्रोमाइज हुई है कि नहीं हुई है। देखिए एक साइट है ये हैव आई बीन पोन, ये साइट आप जैसे ओपन करोगे दिख रही है मैं जो स्क्रीन मेरी, हाँ दिख रही है सर, दिख रही है दिख रही है सर।
जैसे इसमें आप जाएंगे तो आपको एक ईमेल आईडी डालने का बॉक्स मिलेगा, उसमें आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी आईडी डाल रहा हूँ, ये मेरी आईडी है। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखिए नीचे आ गया रेड में कि ये आपकी आईडी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अब कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज है, ये कैसे हुई है, देखिए ये डब स्मैश करके एक एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की थी जिसमें मैंने अपना आईडी पासवर्ड सेव किया था, तो उसके डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गए। आप सुनते हैं कि इस कंपनी के डेटा ब्रीच हो गए, फेसबुक के डेटा ब्रीच हो गए, आपके जोमेटो के डेटा ब्रीच हो गए। तो इसी तरह उसमें आपके आईडी पासवर्ड सेव रहते हैं, वो आईडी पासवर्ड सेव रहने की वजह से आपके आईडी पासवर्ड ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं रखा है तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। दूसरा देखिए शीन करके जो है उसमें मेरा डेटा चला गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं भाई आपकी आईडी जो है सेफ है या नहीं। कहीं आपको लगे कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, और हर एप्लीकेशन के अंदर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना है। जैसे मैं दूसरी आपकी आईडी बताता हूँ मेरी, ये मेरी दूसरी आईडी है, देखिए ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, इसमें ग्रीन कलर आ गया, आपको बता रहा भाई ये आपकी आईडी सेफ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी आईडी कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक साइड जो है आई बिन फोन, ये आप इस पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगे भाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हर जगह करना है। इसमें क्या होगा, जिस मोबाइल के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, या क्रिमिनल के पास आपका आईडी पासवर्ड आ गया, कहीं और से वो ऑपरेट करने की कोशिश करेगा तो आपको एसएमएस आ जाएगा। जब तक उसको एसएमएस नहीं मिलेगा, वो कोड नहीं मिलेगा, तब तक वो ऑपरेट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से आप सेफ रह सकते हैं इसमें, हर एप्लीकेशन पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको करना है। ऑन हु कैन सी यूर फ्यूचर पोस्ट, आपकी पोस्ट कौन देख सकता है, हु कैन सी यूर स्टोरीज, ये इसमें आपको फ्रेंड्स करना है सिर्फ। पब्लिक रखेंगे तो सब देख सकेंगे और आपका आईडी के बारे में जानेंगे और आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपका वो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कभी भी हो सकता है। हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, कौन भेज सकता है आपको, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कर दीजिए इसमें। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, कौन देख सकता है, तो फ्रेंड्स ही देख सकते हैं, आपका अकाउंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से कुछ सेटिंग है आप कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल को लॉक रखिए ताकि कोई आपका प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करके दूसरी आईडी नहीं बनाए। आपका टैग का जो ऑपरेशन ऑप्शन है वो फ्रेंड्स के साथ रखिए, कोई भी आपको बिना परमिशन के आपको टैग नहीं कर सके। काफ़ी लोग आपको टैग कर देते हैं और इस तरह से क्राइम होता है। ये इंस्टाग्राम के अंदर भी देखिए, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना है, आपके पासवर्ड को अकाउंट को प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं रखना है। तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर है आप कर सकते हैं। ये एक वॉयरिज्म करके क्राइम होता है काफी लेडीज के साथ। देखिए ये देख बताने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ये आपको पता चल रहा है कहाँ की है। ये दृश्यम मूवी सबने देखी होगी, दिख रहा है मेरा, ये दृश्यम मूवी के सीन्स है सब। दृश्यम मूवी अगर सबने देखी है तो आपको पता होगा कि इसमें अजय देवगन की लड़की को जो है तब्बू का लड़का वो ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहीं पिकनिक पे गए थे, वहाँ उसको इलीगली उसका फोटो उसके कंसर्न के बिना उसका वीडियो शूट कर देता है और उसे ये वीडियो दिखा के उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो अगर किसी लेडीज के कंसर्न के बिना अगर कोई वो कोई फोटो ले रहा है, पिक चल रहा है उसके प्राइवेट पार्ट का, तो ये भी एक साइबर क्राइम है। इसमें 3 से 5 साल की सजा होती है क्रिमिनल को। तो ये क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। इसमें क्या होता है, आजकल लेटेस्ट गैजेट्स बहुत आ गए, टीवी स्मार्ट टीवी आ गया है। सूरत में एक केस ऐसा हुआ था कि एक पति पत्नी का जो प्राइवेट जो मूवमेंट्स थे सब, जो प्राइवेट टाइम था वो पूरा लीक हो गया, वो जो कर रहे थे वो सब। तो उसमें क्या हुआ, जब ये क्राइम रिपोर्ट हुआ पुलिस में, तो पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उनको पता चला कि जो उनका जो टीवी है वो टीवी स्मार्ट टीवी है और उसका जो कैमरा है वो हैक किया गया था किसी ने, उनका कैमरा स्मार्ट टीवी का कैमरा हैक कर दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ, वो उसने रात को कैमरा ऑन कर दिया और उनके जो भी सीन है वो पूरा पिक्चराइज कर दिया, उसका वीडियो बना दिया। तो आजकल हम क्या करते हैं, देखिए आप टीवी जो बंद करते होते रिमोट से बंद करते हो, कभी भी आप बटन नीचे स्विच बंद नहीं करते हो, ये एक हैबिट हमारी रहती है। तो इससे
आपका कैमरा हैक हो सकता है, आपके मोबाइल का कैमरा हैक हो सकता है, आपके लैपटॉप का कैमरा हैक हो सकता है। हैक होने का रीजन क्या है कि हम बिना सोचे समझे हर परमिशन दे देते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो सोचते समझते नहीं हो भी क्या करना है, कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी नहीं देनी है। हम सब परमिशन दे देते हैं क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन हमें चाहिए, तो उसकी वजह से आपके कैमरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इस तरह से क्राइम होता है। ऑनलाइन गेमिंग आजकल बच्चे खेलते हैं, उसके अंदर चैट रूम होता है, बच्चे आपस में बातचीत करते रहते हैं। आपका मोबाइल के साथ जो नंबर है अगर बैंक के साथ अटैच है तो वो मोबाइल से आपकी डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। उसके अंदर ऐसे सेटिंग्स है कि डायरेक्ट वो गेम के अंदर बच्चे आजकल जो खेलते हैं वो सब चीजें परचेस करते रहते हैं गेम के अंदर। समझो कोई कपड़े करने हैं या डायमंड परचेस करने या कुछ भी है तो वो ऑनलाइन गेम में परचेस करते हैं और पैसे आपके कटते हैं। अब कभी भी ऐसा होता है भाई आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं पता नहीं चलता है, तब हम चेक करते तो पता चलता है कि आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी गेमिंग ऐप्स डाले हुए हैं और वो गेमिंग में पैसे गए हैं। एक बच्चे ने देखिए अभी ये दिखा रहा हूँ कि ये 13 साल का बच्चा है, उसने ये फ्री फायर करके जो गेम है उसके अंदर 40,000 चले गए उसके। उसके माँ बाप ने उसको थोड़ा डांटा तो उसने सुसाइड कर दिया। तो इस तरह के केसेस भी बहुत होते हैं ऑनलाइन गेम। तो बच्चों पे ध्यान रखिए, अगर आपका पेमेंट का पूरा डिटेल उसके अंदर है तो उसको डिसेबल कर दीजिए मोबाइल के अंदर। बच्चे अगर आप बोलोगे भाई गेम नहीं खेलना है तो वो मानेगा नहीं, गेम तो उसको खेलनी है। तो इस तरह से भी ऑनलाइन गेमिंग के भी काफी किस्से होते हैं। ये फोटो मॉर्फिंग का जो है ये होता है आपके फोटो मॉर्फ करके जो पोर्न साइड है उस पर डाल दिए जाते हैं लेडीज की। हम जाने बिना अनजाने में भी कहीं किसी पे ट्रस्ट आ जाता है तो क्या करते हैं, हम किसी अपने फोटो शेयर कर देते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं। जब किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम सोचते नहीं भी हमें क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम अपने ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर कर देते हैं। फिर क्रिमिनल उसका इसी तरह से ये मिसयूज कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी साइट पे डाल के आपको बदनाम करते हैं, परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं और आपके साथ क्राइम करते हैं। तो कभी भी पिक्चर्स वगैरह वीडियो आप जो शेयर कर रहे हो तो सोच समझ के करना चाहिए भाई, किसी किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है, तो ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। ये फोटो मॉर्फ करके देखिए, इस लेडीज लड़की का फोटो जो है इस पे लगा दिया है, कोई और बॉडी किसी और की होती है, फोटो फेस आपका होता है बॉडी किसी और की होती है। तो इस तरह से ये क्राइम किया जाता है फोटो मॉर्फिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग के क्राइम्स तो बहुत बढ़ गए हैं, आप अनट्रस्टेबल साइट से परचेस करते हो, मोबाइल परचेस किया तो डमी मोबाइल आ गया, शॉप आ जाता है। तो इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग के तो काफ़ी क्राइम्स होते रहते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको ट्रस्टेबल साइट से ही खरीदी करनी है और कम से कम साइट को आपको चुनना है। अगर सब साइट पे जाके आप खरीदी करोगे उसमें हर साइट पे आपके क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के डेटा अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनके अगर डेटा ब्रीच, जैसे मैंने बताया कि जोमेटो के डेटा ब्रीच हो गए या दूसरे फेसबुक के हो गए, तो इस तरह से अगर किसी साइट के डेटा ब्रीच हो गए तो आपके आईडी पासवर्ड चले जाएंगे और आपके साथ क्राइम हो जाता है। हमेशा ट्रस्टेबल साइट से परचेज कीजिए जिसमें HTTPS अगर है साइट में वहाँ से खरीदी करनी है, जिसकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी हो, लोगों ने रिव्यू डाले हो भाई अच्छे है। अगर लोगों के साथ क्राइम होता है तो रिव्यू डालते हैं भाई हमारे साथ क्राइम हुआ है, तो लोगों की रेटिंग भी देखनी है, रिव्यू देखना है भाई कौन सी साइट अच्छी है कौन सी साइट नहीं है, वहाँ से ही खरीदी करनी है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग के क्राइम से भी बच सकते हो। देखिए ये कभी कभी कितने ऑफर आते हैं भाई, 90% ऑफ ऑन ऑल मोबाइल फोन्स। अब देखिए इस तरह से ऑफर देके भी आपके साथ क्राइम करते हैं, 90% ऑफ कौन देता है मोबाइल पे, ज्यादा से ज्यादा 10% 15% आपको मिलेगा ऑफ, 90% ऑफ देते हैं तो वहां आप समझ जाइए कि हमारे साथ क्राइम हो रहा है। इस तरह से आप करते हैं तो शॉपिंग में आपको आता है कि आपने इतने रुपये वन हुआ है, आपने जीते हैं, आप उसमें फिर आ जाते हैं और जो भी वो कहते हैं उस तरह से आप करते हो और अपना पर्सनल डेटा अकाउंट दे देते हो तो आपके साथ क्राइम हो जाता है। अब वुमन के लिए क्या सेफ्टी टिप्स है, तो पहले तो हम जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में समझना है। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसके मोबाइल के अंदर क्या सिक्योरिटी फीचर है, आप जो कोई साइट पे जा रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी फीचर क्या है, फेसबुक पे जा रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी फीचर क्या है वो आपको देखना है, इंस्टाग्राम के सिक्योरिटी फीचर क्या है वो सब सिक्योरिटी फीचर देखने हैं, टेक्नोलॉजी को समझना है, उसके बाद ही वहाँ अकाउंट ओपन करना है और सब आपका जो सोशल जो पर्सनल डिटेल है
वो देनी है, आप अकाउंट को प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं रखना है, तो टेक्नोलॉजी को समझिए आप, उसके बाद ही टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, ये एक मेन सावधानी रखनी है आपको। किसी भी प्रोफाइल को आपको एक्सेप्ट करने से पहले उस प्रोफाइल के बारे में पूरा जानना है कि भाई इसका प्रोफाइल क्या है, आपके और उसके कितने म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके बाद ही किसी की आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे साथ क्राइम हो जाता है। तो कोई भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी और किसी अननोन पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी भी नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कितनी लेडीज बिजनेस कर रही है ऑनलाइन, तो प्रमोशन के लिए आपका इंस्टाग्राम वगैरह पे अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमेशा आपका एक अकाउंट प्राइवेट होना चाहिए, एक पर्सनल होना चाहिए। जो बिजनेस का अकाउंट है उस पर आपके पर्सनल डिटेल कोई नहीं होनी चाहिए, और पर्सनल पे आपके बिजनेस की डिटेल नहीं होनी चाहिए। दोनों अकाउंट अलग अलग रखने हैं, ये एक थोड़ा सावधानी रखनी है। आपकी या आपके फैमिली की या किसी भी फ्रेंड की आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सोच समझ के अपलोड करनी है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करनी है। देखिए, एक बार अगर कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ये तीर एक बार निकल गया तो निकल गया, ऑनलाइन हो गया तो उसको आप कहीं से भी डिलीट नहीं कर सकोगे। तो एक कोई भी चीज़, कोई भी पर्सनल जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या कुछ भी डेटा है आपका, फोटो वीडियो पिक्चर है, तो ऑनलाइन करने से पहले 10 बार सोचना है भी हमें क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है। एक आपको एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए कभी भी कोई भी चीज़ शेयर करने से करने के लिए। अनजान लोग अगर आपके आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में कुछ बोलते हैं अच्छा अच्छा तो उसके बातों में नहीं आना है हमें। और अगर आपके फ्रेंड्स आपके बारे में अच्छा कुछ बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अनजान लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आपकी आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो वहाँ आपको अलर्ट होना चाहिए भाई ये मुझे क्यों अप्रिशिएट कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपके साथ क्राइम हो जाता है तो खास तो आपको डरना नहीं है और घबराना नहीं है, पूरे एविडेंस जमा करने हैं आपको, एविडेंस रख के पुलिस के पास आना चाहिए, आना है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। और पुलिस के पास आएंगे तो कोई भी आपकी अगर डेटा लीक हो गया जो भी है, हम साइड पे फोटो वगैरह सब हटवा लेते हैं और उसको क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं। तो कभी भी कुछ क्राइम होता है तो लेडीज़ को खास ये है कि घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, और आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, फिजिकली आ सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको कंप्लेंट बुक करनी है। ये कुछ प्रीकॉशन है जो सब मैंने आपको पहले बताया, वो वापस रिपीट किए मैंने। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन रखना है, या पासवर्ड जो है मीनिंगलेस रखने हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होनी चाहिए। लॉगिन अलर्ट आते हैं आपके मोबाइल पे, वो लॉगिन अगर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन हो रहा है तो आपको अलर्ट आ जाए, ऐसा सेटिंग रखना है आपको। आपके सिक्योरिटी फीचर्स को रिव्यू करना है टाइम टू टाइम अकाउंट के बारे में, ये आपके डिवाइस के बारे में है। आपको पिन और पासवर्ड रखना है, पैटर्न रखना है, कभी भी आपका डिवाइस कहीं भी अनजान जगह पे ऐसे ओपन में छोड़ नहीं देना है, हमेशा आपके पास होना चाहिए। एंटीवायरस इंस्टॉल करना है आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो सोचना है पहले कि भाई कौन सी परमिशन देनी है कौन सी नहीं देनी है। अगर आप कहीं डिवाइस बेच रहे हो, हम क्या करते हैं मोबाइल बेच देते हैं नया लेते हैं, तो उसमें एक बिट इरेजिंग टेक्नोलॉजी आती है जिससे आपको पूरा डेटा इरेज करके ही बेचना है। आपको पता नहीं बेचने के बाद आपके मोबाइल से ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जिससे पूरा डेटा निकाला जाता है, आपके पर्सनल डेटा पूरी उनको मिल जाती है। हम क्या करते हैं 4,000-5,000 मिल रहा है पुराने मोबाइल का तो बेच देते हैं, सिंपली उसको हम फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं। तो फैक्ट्री रिसेट करने के बाद भी आपके डेटा निकाले जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आप जिसको दे रहे हो वो ट्रस्टेबल इंसान होना चाहिए, अनजान इंसान को मोबाइल नहीं बेचना है। वो क्या करेगा आपके मोबाइल को आपको पता नहीं है। आप रिपेयरिंग में जब भी मोबाइल देते हो तो उसमें ध्यान रखना है आपको, कभी कभी रिपेयरिंग वाले भी आपके डेटा अंदर से निकाल देते हैं और वो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो आपके सामने रिपेयर करवाइए, हो सके तो रिपेयर में देने के टाइम पे आपको पासवर्ड या पिन वगैरह नहीं देना है उसे रिपेयरिंग करवाते वक्त मोबाइल। आपको डेटा को आपको प्रोटेक्ट करना है, शेयर नहीं करना है कोई भी आपके पर्सनल डिटेल किसी भी इंसान के साथ। आप सोशल मीडिया के आपके ऑडियंस को कंट्रोल रखना है, कौन देख सकता है आपकी पोस्ट कौन नहीं देखता, ये सेटिंग आपको करनी है। आपके परमिशन जो आपको अगर किसी ऐप को अगर परमिशन दे भी दी है आपने, चली भी गई है परमिशन इंस्टॉल करो, तो अभी भी आप मोबाइल के अंदर जाके उसको परमिशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप परमिशन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं आपने कितने कैमरा को परमिट किया है, कैमरा कितने ऐप को परमिट किया है, आपने आपका जो गैलरी है कितने ऐप को परमिट किया है,
तो वो रिव्यू करके आपको लगे कि भाई यार इसको मुझे कैमरा को एक्सेस नहीं देना है तो आप बंद कर सकते हैं अभी भी। प्राइवेट पॉलिसी जो है, प्राइवेसी पॉलिसी आप देख लीजिए सेटिंग, हमेशा उसको देखते रहना चाहिए। ये भी रिमेडीज है सब, जो सिक्योर सॉफ्टवेयर करना है, ये सब हमारी बातचीत हो चुकी है अभी पहले। अगर आपके साथ कभी कुछ क्राइम हो जाता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कंप्लेन बुक करवानी है। पहले तो आप पर्सनली आ सकते हैं पुलिस स्टेशन में, आप जहाँ अहमदाबाद रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हर जगह साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अब छोटे छोटे गाँव में भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, तो आप पर्सनली चले जाइए, वहाँ जाके आप कंप्लेन दे सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, हर जगह स्पेशल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ आप कंप्लेन दे सकते हैं। कभी ऐसा होता है बदनामी के डर की वजह से कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता फिजिकली, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप डायल 100 करके कंप्लेन दे सकते हैं, अहमदाबाद में आप डायल 100 करोगे तो वहाँ आपकी कंप्लेन ली जाएगी। ये एक नेशनल सिक्योरिटी नंबर है जो 155260, इस पर जाके आप कंप्लेन बुक करवा सकते हो। दूसरी एक जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है हमारा, उस पर जाके आप कर सकते हो, cybercrime.gov.in पे जाके आप कर सकते हो। इसमें खास एक फैसिलिटी ये है कि देखिए, जैसे ये साइट है cybercrime.gov.in, इसमें ऐसा है कि अगर लेडीज और बच्चे एनोनिमस रह के अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना भी अगर कंप्लेन देना चाहे तो दे सकते हैं। तो उसमें आपको आपका नाम नहीं बताना है, कुछ सिर्फ कंप्लेन आपके साथ क्या क्राइम हुआ है वो बताना है। तो इस तरह से आप इस पोर्टल पे जाके भी आप कंप्लेन दे सकते हो। तो खास मेरा कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके साथ क्राइम होता है, अभी मैंने जैसे बताया ये सब चीज़ें, अगर आपके साथ इस तरह से हो रहा है या हो चुका है तो आगे आइए, कंप्लेन दीजिए, पुलिस को बताइए क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्रिमिनल तक पहुँचेगी। अभी आपको अगर यहाँ मैं अपना वेबिनार पूरा समाप्त करता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। महेश जी, आप देख लीजिए क्वेश्चंस और आंसर्स जो भी है। सर, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि HTTPS इज सेफर देन HTTP? यस, S यानी सिक्योर, उसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जब कोई वेबसाइट बनाता है, URL लेता है, डोमेन ले लेता है, तो उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो सिक्योर रहता है। उसके बाद भी देखिए, अगर मैं तो बताऊंगा, अगर HTTPS है और आप जा रहे हैं और आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, ऐसी कोई डिटेल मांगी जाती है, आपको कहीं भी आपका सिक्स सेंस रहता है लेडीज में खास, तो आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे साथ क्राइम हो सकता है तो आगे नहीं बढ़ना है, आपको पूरा सेफ लगे, कोई भी साइड पे जा रहे हैं, जेन्युइन साइड है जहाँ पे आप हमेशा खरीदी कर रहे हैं, हमेशा ओपन कर रहे हैं, जो है वहाँ ही जाना चाहिए, लोगों के रिव्यू पढ़ने चाहिए, रेटिंग देखनी चाहिए, उसके बाद ही खरीदी करनी चाहिए, तो एस लगने से सिक्योर तो हो जाता है उसके बाद भी, लेकिन दूसरे प्रिकॉशन तो हमें लेने ही लेने हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन था, वी गेट लॉट ऑफ ई चैलेंज फ्रॉम द पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हाउ टू नो इट्स फ्रॉड और जेन्युइन? क्या बताया आपको, चलन मिल रहा है आपका ट्रैफिक पुलिस चलन, ट्रैफिक पुलिस चलन। देखिए, आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस चले जाएंगे तो वहां भी एक सेक्शन बना है जहां आप लेके जाएंगे चलन, तो वहां आप फिजिकली देख के आपको बता देंगे भाई ये पुलिस की तरफ से आया है या किसी और की तरफ से आया है। काफी मैंने देखे हैं कि अगर समझो RTO का भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां भी जो वाहन करके जो एक एप्लीकेशन है उनकी एक डुप्लीकेट बीच में बनी थी, जिसमें डुप्लीकेट वेबसाइट पे चले गए और लोग वहां पैसे भर रहे थे अपना RTO का लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो URL खास देखना है आपको, कहां से वो वेबसाइट का URL में अगर कुछ डाउटफुल लगे तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। और ऐसा कुछ भी है तो पैसे भरने से पहले, ऑनलाइन पैसे भरने से पहले आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस चले जाइए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वहाँ है, ट्रैफिक के ACP DCP है, उनसे बात कीजिए भाई हमें इस तरह से चलन आया है तो ये जेन्युइन है कि नहीं, वो आपको बता देंगे। उनके पास डेटाबेस रहता है, आपको किसने जब चलन देता है तो उनके पास पूरा डेटाबेस रहता है कि किसको चलन दिया गया है, कौन से गाड़ी को चलन दिया है, गाड़ी नंबर क्या है, तो कंफर्म करके ही ऑनलाइन पैसे भरिए सर। ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एरिया वाइज कोई लिस्ट हमें मिल सकती है कहीं से, कोई वेबसाइट से?
देखिए मैं बताऊं, अभी गुजरात के अंदर चार सिटी जैसे अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, उसके अंदर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एक ही है। दूसरे 9 रेंजेस है, रेंज बोलते हैं हम लोगों, जिसमें एक रेंज में 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो उनका एक पुलिस स्टेशन होता है। ऐसे 13 पुलिस स्टेशन है, 4 सिटी के और 9 रेंज के, 13 पुलिस स्टेशन है। तो आप कुछ भी, आपको ऐसा लगता है मुझे साइबर क्राइम पुलिस जाना, तो आप लोकल पुलिस स्टेशन चले जाए, कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, तो फिर वहां जाना है आपको। आप लोकल पुलिस स्टेशन चले जाए, वहां से आपको गाइड किया जाएगा। और सर एक क्वेश्चन था, साइबर क्राइम में कंप्लेन करने के बाद ये सॉल्यूशन कितने टाइम में आ जाता है? देखिए सर, सॉल्यूशन का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, पूरा क्राइम बार से होता है। जैसे क्रिमिनल अभी कैसे हो गए कि, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गुजरात के अंदर क्रिमिनल नहीं है, गुजरात के क्रिमिनल क्या करते हैं कि राजस्थान के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के नंबर ढूंढते हैं और उनके साथ उनको टारगेट करते हैं। जैसे वहाँ की पुलिस को यहाँ आने में टाइम लगे और इजीली नहीं आ सके, इस तरह से हमारे यहाँ जो भी क्राइम होते हैं वो देखा गया है। अक्सर आपने देखा होगा जामताड़ा जो है वो सीरीज आई है, जामताड़ा से क्राइम हो रहा है, वेस्ट बंगाल से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है, तो वहाँ तक जाना पड़ता है। और कभी कभी अभी क्या होता है कि हर क्राइम जो होता है, क्रिमिनल इतने शातिर है कि वो फेक आईडी बनाते हैं आपके। जैसे मैंने बताया सिम कार्ड आपका होता है, सिम स्वाइप करके कार्ड आपका है और क्राइम उसने किया है, ऐसे ही आपके आधार कार्ड आपका है, क्राइम उसने किया है। तो हम जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो मेन मास्टरमाइंड तो है ही नहीं। देखिए डिजिटल फुटप्रिंट तो छोड़ ही देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से तो पकड़ा ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ा जाते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम ट्राई करते हैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करें और सबको न्याय मिले। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। एक क्वेश्चन था कि क्यूआर कोड ऑथेंटिसिटी हाउ टू वेरीफाई। देखिए सर, क्यूआर कोड में क्या होता है, हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, क्यूआर कोड में क्या होता है, अगर आपको पैसे देने हैं तो ही क्यूआर कोड स्कैन करना। आप कहीं भी कोई दुकान पे चले जाएंगे, शॉप पे चले जाएंगे, वहाँ आपका पूरे लगे हुए हैं स्टिकर के, भाई आपको ये करना है, तो कहीं भी आपको डाउटफुल लगे कोई अनजान जगह पे क्यूआर कोड है तो इसको स्कैन नहीं करना है। कि काफ़ी वेबसाइट और साइट है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप उसका ऑथेंटिकेशन चेक भी कर सकते हैं। गूगल पे जाएंगे तो आपको काफ़ी साइट मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जिसपे आप इसको ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन था सर, इन हाउ मच टाइम वी शुड रजिस्टर द कंप्लेंट, कितने टाइम में, जैसे साइबर क्राइम आज हुआ तो कितने टाइम के बाद हम कर सकते हैं कंप्लेंट? देखिए जैसे आपको पता चला, बराबर जैसे पता चला इमीडिएटली हमको साइबर क्राइम कंप्लेंट करना चाहिए। जैसे देखिए अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आपको मैसेज आता है भाई आपके अकाउंट से पैसे कट गए। अभी आप सोचोगे कि मैं जहाँ जिस डेस्टिनेशन में पहुँचने जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के उतर के फिर मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगा, या मैं वापस जहाँ से चला हूँ अपने नेटिव प्लेस वहाँ रिटर्न जब घूम के आऊँगा उसके बाद कंप्लेंट करूँगा, तो अभी ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको नंबर दिए 1-55-260 या 100 नंबर या cybercrime.gov.on, अभी तो मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, आप पूरा इंटरनेट साथ में लेके घूमते हैं, तो वहीं का वहीं आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक भी मिनट बिगाड़े बिना आपको कंप्लेंट करनी है, जितना जल्दी कंप्लेंट करेंगे उतना जल्दी आपको रिफंड और पैसे रिवर्ट आने के चांसेस रहते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो सर, सूर्या सर, महेश सर, एक दिलीप भाई पंजाबी ने वो क्वेश्चन भेजा है लेकिन उसका जवाब आ गया है जो उन्होंने बोला था, तो आ गया जवाब। वो रिगार्डिंग ऑनलाइन कंप्लेन के लिए था कि अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाना है किसी को तो ऑनलाइन कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। वो तो हाँ, उसको मैंने बता दिया, 1-55-260 कर सकते हैं, 100 नंबर डायल करके कर सकते हैं, या cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेंट बुक कर सकते हैं। जी सर, और कोई मेंबर को कोई क्वेश्चन हो तो।
कंक्लूड करें सर, मैं सर। हाँ ओके ओके कंक्लूड करो। थैंक यू महेंद्र मोटवानी जी सर, हम टीम एसपीएस आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप अपना संडे को बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमें साइबर क्राइम एंड साइबर सेफ्टी के बारे में बताया और नॉलेज दिया है, और हमारे मेंबर को साइबर क्राइम के मैं से कैसे बच सके उसके बारे में भी आपने बताया। आज आपने जो डेटा डिजिटल फुटप्रिंट, सेफ्टी टिप्स, साइबर क्राइम अगेंस्ट बिजनेस वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, हैकिंग, फिशिंग, स्मिशिंग, स्पूलिंग, साइबर ब्लूमिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये सब और इन सब के बारे में हमने आपने टिप्स दी, वो हमें बहुत मददगार रहेंगी। थैंक यू वेरी मच सर, और मैं आप सभी मेंबर्स को भी शुक्रगुजार करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में वेबिनार में ज्वाइन हुए, और आपका यही प्यार हमें मोटिवेट करता है कि हम ये नए नए टॉपिक को वेबिनार करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, महेश जी मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना और सबको अवेयर किया, और मुझे खुशी है मैं अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और मुझे भी बहुत आनंद हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं है, संडे मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरा बिगड़ा है या कुछ, मुझे और मजा आया, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, और फ्यूचर में भी ऐसे करते रहेंगे, और आप अरेंज कीजिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और कभी भी कहीं भी किसी को भी वेबिनार करना है बताइए, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।